हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑलिव बोर्ड। माई सेल्फ पूजा और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मंथली कंपाइलेशन की। अभी तक मैंने दो वीडियो अपलोड की कर दिए हैं जिसमें जनवरी मंथ के सारे इंपॉर्टेंट डेज और थीम डिस्कस की हैं। सेकेंड वीडियो में हमने जनवरी मंथ के अपॉइंटमेंट्स, बुक्स, अवार्ड्स एंड ऑबिचुरीज को डिस्कस किया था। आज हम मंथली कंपाइलेशन का थर्ड पार्ट करने वाले हैं। ये तीसरा पार्ट है जिसमें हम दो कैटेगरी कवर करेंगे, स्पोर्ट्स न्यूज़ एंड नेशनल न्यूज़। तो जनवरी मंथ की सारी स्पोर्ट्स न्यूज़, वो भी कैटेगरी वाइज, एंड नेशनल न्यूज़ को आज हम कवर करेंगे। और वीडियो के एंड में आपको जीआई टैग्स, जनवरी मंथ में जितने भी जीआई टैग दिए गए हैं अलग अलग स्टेट के प्रोडक्ट्स को, तो हम जीआई टैग को डिस्कस कर लेंगे। तो सिंगल प्लेस पे आपको सारा कंपाइलेशन मिल जाएगा, तो आपको कहीं और से कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जनवरी मंथ का कंप्लीट एनालिसिस यहाँ पर हो रहा है। ये तीसरा वीडियो है, पहले दो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा था कि अभी इसकी पीडीएफ इसलिए नहीं दी जा रही है क्योंकि पूरा कंपाइलेशन हो रहा है और एक मैगजीन के फॉर्म में, जैसे एक सिंगल आपको पैकेज मिल जाए, एक मैगजीन मिल जाए और आपको बस रिवाइज करना पड़े, ठीक है। तो सारा सेग्रीगेट होके सारा आपका स्पोर्ट न्यूज़ कैटेगरी वाइज अलग, अवार्ड्स अलग, अपॉइंटमेंट्स अलग, तो ऐसा आपको मिल जाए जिससे आपको पढ़ने में भी ईजी हो और आप किसी भी एग्ज़ाम में अपियर होने वाले हैं आने वाले समय में, चाहे वो SSC है, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस एग्ज़ाम, रेगुलेटरी बॉडी एग्ज़ाम, RBI, ग्रेड बी, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सारे एग्जाम्स के लिए ये करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सभी में, अगर आप RBI का पेपर उठाएंगे, बैंकिंग का उठा लीजिए, रेलवे का उठा लीजिए, स्पोर्ट्स सेक्टर मिलेगा, नेशनल न्यूज़, गवर्नमेंट स्कीम मिलेंगी ही मिलेंगी, तो ये सब के लिए है, ठीक है। तो फॉर ऑल स्टूडेंट, जो लोग भी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ आप इस लिंक को शेयर कर सकते हैं जिससे वो भी मंथली करंट अफेयर्स या फिर जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकें, ओके। तो सबसे पहले हम स्पोर्ट्स कैटेगरी देखते हैं, उसके बाद हम नेशनल न्यूज़ देखेंगे और लास्ट में हम सारे जीआई टैग्स देख लेंगे जो जनवरी मंथ में दिए गए हैं, ओके है। आइए तो सबसे पहले बात करेंगे चेस से, क्योंकि चेस की चर्चा तो इंतरिम बजट में भी की गई थी कि लगातार यूथ ग्रोथ कर रहा है स्पोर्ट के सेगमेंट में, और 2014 में लगभग 20 ग्रैंड मास्टर थे और आज 80 प्लस ग्रैंड मास्टर है। ये बातें मैं नहीं बोल रही हूँ, इंतरिम बजट में निर्मला सीतारमन जी ने कहा था। तो चेस के बारे में हमें बात कर लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे जो चेस प्लेयर है उनका नाम है डी गुकेश। ये खेलने वाले हैं प्रेस्टीजियस कैंडिडेट टूर्नामेंट। तो प्रेस्टीजियस कैंडिडेट टूर्नामेंट में पार्ट लेने वाले हैं कनाडा में, जो कि 2 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल के बीच में 2024 में होना है। तो डी गुकेश थर्ड इंडियन है जो कि कैंडिडेट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये ज्वाइन करने वाले हैं आर प्रज्ञानंदन को एंड विदित गुजराती को। पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द इंडियन हिस्ट्री, कि तीन इंडियन एक साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं कैंडिडेट टूर्नामेंट में जो कि कैनेडा में होने वाला है। तो ये लोग सभी अपना अपना गेम खेलेंगे और जो जीतेगा, जो विनर होगा, उसको चांस मिलेगा चाइना के चेस प्लेयर जिनका नाम है डिंग लिरिन, इनके साथ खेलने के लिए इन द नेक्स्ट वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। क्लियर है? तो डी गुकेश का नाम याद रखना है। अगले प्लेयर इंपॉर्टेंट है, अभी जो IB का पेपर हुआ था उसमें भी इनका नाम पूछा गया था, इनका नाम और इनकी सिस्टर आर वैशाली, उनका नाम, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली मैं 100% श्योर हूँ कि आने वाले पेपर में इनके नाम मिलेंगे, क्योंकि अभी IB के पेपर में भी देखे गए और ऊपर से आर वैशाली को तो अर्जुन अवार्ड भी मिला है, तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो मैं बात कर रही हूँ आर प्रज्ञानंदन के बारे में, और ये इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया के नंबर वन चेस प्लेयर बन गए हैं। इन्होंने विश्वनाथन आनंद, जो कि हमारी कंट्री के पहले ग्रैंड मास्टर हैं विश्वनाथन आनंद, उनको पीछे छोड़ दिया है। तो आर प्रज्ञानंदन डिफीटेड द वर्ल्ड नंबर वन चेस चैंपियन डिंग लिरिन। डिंग लिरिन किस कंट्री से हैं? अभी हमने देखा था कि चाइना से हैं, और इन्होंने डिफीट किया है, आर प्रज्ञानंदन ने डिंग लिरिन को डिफीट किया है इन टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट, जो कि 16 जनवरी को खेला गया था। तो टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट नेदरलैंड में हुआ था, वहां पर फाइनल आर प्रज्ञानंदन और डिंग लिरिन के बीच में हुआ था। डिंग लिरिन को हराया है आर प्रज्ञानंदन ने और इस टाइटल को अपने नाम किया है। और उसके बाद जब इनकी रेटिंग की गई तो रेटिंग में पता चला कि आर प्रज्ञानंदन ने पीछे छोड़ दिया है विश्वनाथन आनंद को और इंडिया के नंबर वन चेस प्लेयर बन गए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हॉकी से। सो FIH हॉकी 5S वीमेंस वर्ल्ड कप, ये पहला एडिशन था, ये पहला एडिशन था, ठीक है। ये एक शॉर्ट फॉर्म कह सकते हो आप हॉकी का, इसमें फाइव फाइव प्लेयर ईच टीम में होते हैं, ठीक है।
तो हॉकी 5S एक शॉर्ट फॉर्म है हॉकी का, जिसमें 5 प्लेयर हर एक टीम में होते हैं। इसका पहला एडिशन हुआ है, ठीक है, पहला एडिशन खेला गया कहाँ पर? ओमान में। पहला एडिशन कहाँ पर हुआ है? ओमान में। फाइनल मैच नीदरलैंड और इंडिया के बीच में हुआ था, और नीदरलैंड ने डिफीट कर दिया है इंडिया को, मतलब नीदरलैंड ने हरा दिया है इंडिया को इन FIH हॉकी 5S वीमेन वर्ल्ड कप में। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पे नीदरलैंड, फिर इंडिया, देन पोलैंड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अगली जो पर्सन न्यूज में है वो भी हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। मणिपुर से बिलोंग करती हैं, मणिपुर से बिलोंग करती हैं और वुशु प्लेयर है, ठीक है, वुशु प्लेयर है। नाम है नाउरेम रोसोबिना देवी। तो रोसोबिना देवी को फीमेल वुशु एथलीट ऑफ द ईयर दिया गया है, ठीक है, वुशु फेडरेशन, इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन के द्वारा फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर किसे बनाया गया है? तो रोसोबिना देवी को बनाया गया है, जो कि एक वुशु प्लेयर है, मणिपुर से बिलोंग करती हैं। अगर मैं बात करूं इनके करियर के बारे में, तो इन्होंने 2018 के एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीता था, वहीं 2022 के एशियन गेम्स में इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्लेयर है ये। नेक्स्ट प्लेयर है मेसी। आइए अब हम फुटबॉल के बारे में बात करेंगे। तो अर्जेंटीना के प्लेयर हैं मेसी, और इनकी जर्सी का नाम है, मतलब इनकी जर्सी का नंबर है 10, और अनाउंसमेंट किया गया है अर्जेंटीना के फुटबॉल एसोसिएशन ने कि हम इनकी जर्सी रिटायर कर रहे हैं। रिटायर कर रहे हैं मतलब ये 10 नंबर की जर्सी अब दूसरे किसी फुटबॉलर को नहीं दी जाएगी। जैसे हमारे देश में भी सचिन तेंदुलकर की जो जर्सी है उनको रिटायर किया गया है, अब किसी और प्लेयर को उनकी जर्सी नहीं दी जाएगी, उस नंबर की जर्सी, ठीक है। तो यहाँ पर भी मेसी की जर्सी को रिटायर किया जा रहा है, ठीक है, आइकॉनिक नंबर 10 अर्जेंटीना के फुटबॉलर मेसी की जर्सी है, इसको रिटायर करने की घोषणा कर दी गई है। आइए अब मेसी वापस से न्यूज़ में है, क्यों है? अगर हम 2023 के बैलन डी ऑर अवार्ड के बारे में देखेंगे तो वो लियोनल मेसी को मिला था, और फीफा बेस्ट प्लेयर 2023 का टाइटल भी किसे मिला है? मेसी को मिला है। तो आइए हम थोड़ा सा फीफा रैंकिंग के बारे में बात करते हैं, ठीक है। फीफा रैंकिंग, तो फीफा रैंकिंग में हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड, फीफा वीमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। इन दोनों को हम विशेष तौर पे ध्यान देंगे, बाकी हम लिस्ट है लेकिन ये दोनों ही आपसे जनरली एग्जाम में पूछे जाएंगे अगर पूछना होगा तो, ठीक है। तो बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2023, तो बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड किसे मिला है? अर्जेंटीना के सुपरस्टार है, अर्जेंटीना के प्लेयर हैं लियोनल मेसी, इन्हें दिया गया है, और थर्ड टाइम है फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड इनको मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेन की प्लेयर है, इनका नाम है एटेना बोनामती, ठीक है, एटेना बोनामती, इन्हें बेस्ट फीफा वीमेंस प्लेयर का अवार्ड मिला है, ठीक है। तो मेसी हो गए और यहाँ पे एटेना हो गई। बाकी कुछ और कैटेगरीज है जैसे कि बेस्ट फीफा वीमेंस गोलकीपर मैरी इरप्स, बेस्ट फीफा मेंस गोलकीपर एडर्सन को मिला है, फीफा फेयर प्ले अवार्ड ब्राजील की नेशनल टीम, ब्राजील की जो मेंस नेशनल टीम फुटबॉल टीम है उसे फीफा फेयर प्ले अवार्ड दिया गया है, और फीफा फैन अवार्ड ह्यूगो डेनियल को दिया गया है। तो आपको ये दोनों नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब ये दोनों रट जाएं बिल्कुल भूलो ना, मैं नींद में उठाऊँ अगर आपको किसी दिन मैसेज कर दूँ कि बेटा बताओ फीफा प्लेयर कौन रहा है, प्लेयर ऑफ द ईयर कौन रहा है, तो आपको पता हो जाए, उसके बाद ही आप इस स्लाइड पे जाना, ठीक है। ओके चलिए अब बात कर लेते हैं F1 फॉर्मूला रेसिंग के बारे में, ठीक है। तो मैं बात कर रही हूँ कार्लोस सेन के बारे में। कार्लोस सेन जो कि 61 ईयर के हैं, इन्होंने सऊदी अरेबिया में जो डकर रैली हो रही थी उसको जीत लिया। तो कार्लोस सेन हिस्टोरिक विक्ट्री इन द डकर रैली 2024 जो कि सऊदी अरेबिया में हो रही थी, और इनका भी 4th नंबर का टाइटल है, मतलब चौथी बार इस टूर्नामेंट को इन्होंने जीता है। इसके पहले 2010, 2018, 2020 और अब 2024 में जीता है, ठीक है। ये 46 नंबर का एडिशन है डेकर रैली का, ये 46 नंबर का एडिशन है। कहाँ हुई? सऊदी अरेबिया में हुई। आप लोग ने कार्लोस सेन के बारे में सुना होगा, जूनियर, ये इनके फादर हैं एक्चुअली, कार्लोस सेन सीनियर हैं ये, कार्लोस सेन जूनियर के बारे में सुना होगा, जो कि F1 फॉर्मूला 1 रेसर हैं, उनके ही फादर हैं ये, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम केन्या की एक एथलीट के बारे में जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 5 किलोमीटर मैराथन में, ठीक है। केन्या की आप देखेंगे बीट्राइस चेटबेट हैं, और इन्होंने वीमेंस कैटेगरी में 5 किलोमीटर मैराथन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इनका टाइम रहा है 14 मिनट एंड 13 सेकेंड, 14 मिनट एंड 13 सेकेंड।
तो आपको बस इतना ही पता होना चाहिए कि जो चैटबॉट है वो किस कंट्री से है। आंसर है केन्या से है और एथलीट है। ओके, नेक्स्ट है शूटिंग चैंपियनशिप। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप जो कि जकार्ता में हो रही थी और मेडल टैली में टॉप पर आया है इंडिया। इंडिया ने टोटल 19 मेडल जीते हैं। इन 19 मेडल में से 7 गोल्ड मेडल है, 6 सिल्वर मेडल है और 6 आपको ब्रॉन्ज मेडल देखने को मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 कहाँ हुई? तो इंडोनेशिया जकार्ता में हुई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इंडिया का मेडल टैली में कौन सा रैंकिंग है? तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर पे है, इंडिया ने टॉप किया है। टोटल नंबर ऑफ मेडल कितने हैं भारत के? 19 है। गोल्ड कितने हैं? 7, सिल्वर 6 और ब्रॉन्ज मेडल भी 6 देखने को मिल जाएंगे। क्लियर? अब यहाँ पे आपको एक प्लेयर का नाम याद रखना है और उन प्लेयर का नाम है रिदिम सागवान, ठीक है। इन्होंने 25 मीटर पिस्तल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और 16th पेरिस ओलंपिक कोटा एक्वायर किया है, मतलब ओलंपिक में ये पार्टिसिपेट करेंगी। रिदमिक सागवान का नाम आपको याद रखना है जो कि एक शूटर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बीच गेम्स के बारे में। फॉर द फर्स्ट टाइम इनका आयोजन किया गया था, मतलब ये पहला एडिशन था बीच गेम्स 2024। पहली बार इन्हें ऑर्गेनाइज किया गया था कहाँ पर? प्रिस्टीन ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड घोगला बीच। तो घोगला बीच जो कि ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच है दीव में, तो घोगला बीच में बीच गेम्स का आयोजन किया गया था। टोटल 8 स्पोर्ट्स थे यहाँ पर, वाटर स्पोर्ट्स, और थीम क्या थी? डॉल्फिन। थीम क्या रही है? डॉल्फिन रही है। मेडल टैली की बात करते हैं तो मेडल टैली में टॉप पर आया है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश अगर आप देखेंगे मेडल टैली पर टॉप पर है। टोटल नंबर ऑफ 18 मेडल्स इन्होंने जीते हैं जिनमें से 7 गोल्ड हैं। सेकेंड नंबर पर महाराष्ट्र है, फिर तमिलनाडु, उत्तराखंड है, ठीक है। हमको याद रखना है फर्स्ट कौन है? मध्य प्रदेश है। 18 मेडल है। पहली बार बीच गेम्स हुए थे दीव में हुए थे। या स्टैटिक क्वेश्चन बनाना होगा तो पूछ लिया जाएगा कि घोगला बीच कहाँ पर है, आंसर हो जाएगा दीव में है जो कि एक ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं अबाउट द 9th एशियन विंटर गेम्स के बारे में। तो 9th एशियन विंटर गेम्स का मेस्कॉट इशू किया गया था और मेस्कॉट आप देख सकते हैं बिन बिन एंड नीनी। बिन बिन और नीनी ये दोनों टाइगर हैं। तो बिन बिन और नीनी आपके एशियन गेम्स के, एशियन विंटर गेम्स के मैस्कॉट है। 9th एडिशन है जो कि हरबिन में खेला जाना है 2025 में। स्लोगन क्या है? ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया। ये यहाँ पर स्लोगन है 9th एशियन विंटर गेम्स का, 2025 में खेले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम बैडमिंटन पे आ जाते हैं वापस से। मलेशियन ओपन सुपर 1000 के बारे में, मलेशियन ओपन सॉरी सुपर 1000 के बारे में, एक बैडमिंटन टूर्नामेंट है। सिंस 1937 इसे खेला जा रहा है, ठीक है। बैडमिंटन टूर्नामेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक पेयर आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ देख सकते हैं ये पेयर किसका है? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी का है, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पर सिल्वर जीता है, मतलब रनर अप रहे हैं। इन्हें किसने डिफीट किया है? तो चाइना के, आप देखेंगे चाइना के वर्ल्ड नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर हैं लिंग वी केंग एंड वेंग चैंग, इन्होंने डिफीट किया है। तो हमें याद रखना है कि मलेशियन ओपन सुपर 1000 के फाइनल में हमारा एक पेयर गया था जो कि सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी का, और ये दोनों पर्सन तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, मतलब मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी इनको दिया जाना है। तो ऑलरेडी ये दोनों प्लेयर इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बन सकता है, बैडमिंटन से एसोसिएटेड है, बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अनाहत सिंह। अच्छा, आप यहाँ पर एक और चीज़ याद रख सकते हैं, मेन सिंगल और वीमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? तो आप देखेंगे डेनमार्क के एंडर्स एंटोसन ने मलेशियन ओपन बैडमिंटन मेन सिंगल का टाइटल जीता है। वहीं वीमेन सिंगल का टाइटल साउथ कोरियन प्लेयर है एन चे यंग ने जीता है, ठीक है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमें इंडियन प्लेयर के बारे में बात करनी है। ये है अनाहत सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ठीक है। आइए इनके बारे में हम बात करते हैं। स्क्वॉश खेलती हैं और अंडर 19 टाइटल इन्होंने जीता है अनाहत सिंह। इन्होंने स्कॉटिश जूनियर ओपन गर्ल्स अंडर 19 स्क्वॉश टाइटल जीता है एडनबर्ग में, ठीक है। इसके पहले अगर देखते हैं तो इन्होंने वीमेन सिंगल का टाइटल नेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप में भी जीता था 2023 में। इन्होंने गोल्ड मेडल अंडर 15 कैटेगरी में भी जीता था, मतलब इन्हें कई सारे मेडल्स मिले। और 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे बर्मिंगम में, उसमें भी मेडल जीतने वाली ये यंगेस्ट प्लेयर थी, मेडल जीतने वाली ये
यंगेस्ट प्लेयर थी कहाँ पर, कॉमनवेल्थ गेम जो कि बर्मिंगम में 2022 में हुए थे, उस समय ये केवल 14 साल की थी। ठीक है, तो अनाहा सिंह का नाम आपको याद रखना है कि ये स्क्वॉश खेलती हैं। डन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्लेयर जो न्यूज में है उनके बारे में। हम बात कर रहे हैं इंडिया ओपन 2024 टूर्नामेंट के बारे में, और अगेन सेम पेयर सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी का यहां पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले इंडियन ओपन 2024 का वीमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? तो वीमेन सिंगल का टाइटल जीता है ताई ताई जू यिंग ने। ये है ताई जू यिंग, इन्होंने वीमेन सिंगल का टाइटल जीता है। अब फाइनल की बात करते हैं, तो मेंस डबल के फाइनल में हमारी कंट्री का भी एक पेयर जिसका नाम है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी गए थे, लेकिन लॉस्ट टू रिपब्लिक ऑफ कोरिया कैंग मिन ह्यूंग एंड द सियो श्योंग जे। हमको इनका नाम कोरियन के नाम याद नहीं रखने, हमको याद रखना है कि हाँ फाइनल में इंडियन प्लेयर गया था और वो प्लेयर कौन सा है। ठीक है, इंडियन ओपन 2024 जो टूर्नामेंट है वो केडी जादव इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में हुआ था। इस टूर्नामेंट को बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। वीमेन सिंगल का टाइटल ताई जू यंग ने जीता है जो कि चाइनीज ताइपी प्लेयर है, और मेन सिंगल का टाइटल शी यू क्यू ने जीता है जो कि चाइना से बिलोंग करते हैं। फाइनल में इंडियन प्लेयर गया था डबल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अबाउट द खेलो इंडिया गेम्स के बारे में, सिक्स एडिशन अबाउट द खेलो इंडिया गेम्स। तो आप सभी को पता है कुछ दिन पहले ही खेलो इंडिया गेम्स कंक्लूड हुए हैं। पहली बार साउथ इंडिया में इन गेम्स को आयोजित किया गया था। ठीक है, इनॉग्रेट किसने किया था? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। छठवां एडिशन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, पहली बार साउथ इंडिया में हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे हम बात करेंगे मैस्कॉट के बारे में। तो वीरा मंगई जो कि रानी वेल्लू नचियार हैं, और इन्हें जाना जाता है क्योंकि इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ फाइट की थी। तो यहाँ पे जो मैस्कॉट रही है वो रानी वेल्लू नचियार रही हैं। 26 स्पोर्ट्स यहाँ पर खेले गए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्यूचर इज हेयर, यहाँ पे आप थीम भी है। 19 जनवरी से 31 जनवरी तक खेले गए चेन्नई, कोयम्बतूर, मदुरई एंड त्रिची में। नाउ यहाँ पर आपको एक मार्शल आर्ट फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ से एक स्टैटिक क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन केवल इतना सा ही रहेगा कि सिलंबम किस स्टेट का एक मार्शल आर्ट फॉर्म है। तो आंसर है तमिलनाडु, क्योंकि इन्हें भी डेमोस्ट्रेट किया गया था आपके खेलो इंडिया यूथ गेम में जो कि सिक्स एडिशन है। क्लियर है इतनी चीज़ें। अब हमें बात करनी है मेडल टैली के बारे में। तो मेडल टैली पे टॉप पर आया है महाराष्ट्र, देन तमिलनाडु, फिर हरियाणा। तो आपको टॉप थ्री की सिक्वेंस याद रखनी है क्योंकि कई बार असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर या स्टेटमेंट में पूछ लिए जाते हैं। सो महाराष्ट्र टॉप पर है, देन तमिलनाडु और हरियाणा। महाराष्ट्र ने कितने मेडल जीते हैं? तो 158 टोटल नंबर ऑफ मेडल महाराष्ट्र ने जीते हैं, जिसमें से 57 गोल्ड है, 48 सिल्वर है एंड 53 ब्रोंज है। ठीक है, सिर्फ आपको महाराष्ट्र के मेडल याद रखने, 158 मेडल जीते हैं, 57 जिनमें से क्या है गोल्ड मेडल है। अब यहाँ पर एक प्लेयर है जो बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं, जिनका नाम है ब्रिति अग्रवाल, जो कि तेलंगाना से हैं और एक स्विमर है, एक तैराक है, और इन्होंने एक दो नहीं पूरे 5 मेडल खेलो इंडिया गेम्स में जीते हैं अलग अलग कैटेगरीज में। ठीक है, जैसे कि 200 मीटर बटरफ्लाई इवेंट में, फ्री स्टाइल इवेंट देखोगे 200 मीटर, 800 मीटर, 400 एंड 1500 मीटर। तो आपको याद रखना है कि ब्रिति अग्रवाल का रिलेशन किस स्पोर्ट से है, तो आंसर हो जाएगा इनका रिलेशन स्विमर से है और तेलंगाना से बिलोंग करती हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे उनके बारे में जिन्होंने हमारा मान बढ़ाया, मान सिंह के बारे में। तो एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2024 के बारे में बात कर रहे हैं, और ये टाइटल जीता है इंडिया के मान सिंह ने। मान सिंह गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, मान सिंह गोल्ड मेडल लेकर आए हैं एशियन मैराथन चैंपियनशिप में, और इनका जो टाइमिंग था वो 2 आवर 14 मिनट्स एंड 19 सेकेंड था। ये जो मैराथन हुई थी वो हांगकॉन्ग में हुई थी, और ऐसा करने वाले अगर आप देखेंगे तो ये सेकेंड प्लेयर बन गए हैं, ये सेकेंड प्लेयर हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल लाया है इंडिया के लिए एशियन मैराथन चैंपियनशिप में। तो इसके पहले फर्स्ट कौन थे? इसके पहले थे गोपी थोनकल, जो कि फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने एशियन मैराथन चैंपियनशिप टाइटल जीता था 2017 में, और अब मानसिंह बन गए। जन अंत में बात करते हैं अबाउट द ऑस्ट्रेलियन ओपन। जैसा कि आपको पता है पूरे साल भर में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन में अगर आप बात करेंगे तो मेन सिंगल और वीमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? तो सबसे पहले है वीमेन सिंगल का टाइटल जीता है अरियाना सबलेंका ने। ये अरियाना सबलेंका है बेलारूस की प्लेयर है, इन्होंने चाइना की क्विनवेन जेंग को डिफीट किया है और ऑस्ट्रेलियन ओपन वीमेन सिंगल का टाइटल अपने नाम किया है।
अब यहाँ पर अगला नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका नाम है जैनिक सिनर। जैनिक सिनर इटली के एक टेनिस प्लेयर हैं और इन्होंने रशियन प्लेयर डेनियल मेडवेडेव को डिफीट किया और ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन सिंगल का टाइटल अपने नाम किया। तो वीमेन सिंगल एंड मेन सिंगल इनकी कंट्री आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब एक और खास बात पता है क्या है, अगेन हम बात आते हैं डबल पे, और डबल की जो टीम थी उसमें एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर थे और एक इंडियन प्लेयर थे, और इंडियन प्लेयर कौन थे, रोहन बोपन्ना, और इनके जो पार्टनर थे वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर थे जिनका नाम है मैथ्यू इबडिन। इन दोनों ने मिलके ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस डबल का टाइटल अपने नाम किया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस डबल का टाइटल किसने जीता है, तो रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलियन पार्टनर मैथ्यू इबडिन ने जीता है। रोहन बोपन्ना अगर बात करें तो 43 ईयर्स के हैं, ओल्डेस्ट वर्ल्ड नंबर वन मेंस डबल में बन गए हैं, ठीक है। रोहन बोपन्ना ओल्डेस्ट फर्स्ट टाइम वर्ल्ड नंबर वन बन गए हैं मेंस डबल में, ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने जीता है। इनका नाम भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रोहन बोपन्ना, टेनिस से एसोसिएटेड इंडियन प्लेयर, ठीक है। चलिए अब बात आती है क्रिकेट की। क्रिकेट में एक प्लेयर है जिनका नाम है डेविड वार्नर, देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, और इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है रिटायरमेंट फ्रॉम वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट, मतलब ओडीआई से। तो डेविड वार्नर ने रिटायरमेंट अनाउंस किया है ओडीआई क्रिकेट से, इंटरनेशनल ओडीआई से। नेक्स्ट है बीसीसीआई अवार्ड, और हम आईसीसी अवार्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। जो अवार्ड मैं बोल रही हूँ उनको आप स्पेशली नोट डाउन कर लें या लिख लें, ठीक है, जैसा भी आपको लगे। सबसे पहले मैं बीसीसीआई अवार्ड्स के बारे में बात कर रही हूँ। तो सबसे पहला होता है यहाँ पे बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर। तो बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर मैन कैटेगरी हम पहले देख रहे हैं, इसे हम बोलते हैं पॉली पॉली उमरीगर अवार्ड फॉर द बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट, और ये अवार्ड 22-23 के लिए दिया गया है शुभमन गिल को। किसे अवार्ड मिला है, शुभमन गिल को पॉली उमरीगर अवार्ड दिया गया है, ठीक है। अगर हम वीमेंस कैटेगरी की बात करते हैं तो वीमेंस कैटेगरी में ये अवार्ड किसे दिया गया है, आंसर हो जाएगा दीप्ति शर्मा, दीप्ति शर्मा, ठीक है। बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर वीमेन दीप्ति शर्मा को दिया है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि दीप्ति शर्मा को किस स्टेट ने डीएसपी बनाया है, ठीक है, दीप्ति शर्मा को किस स्टेट ने डीएसपी बनाया है अपने स्टेट में, आंसर आप देंगे कमेंट सेक्शन में। अगर डेली करंट अफेयर्स देखते हो तो डेफिनेटली आप इसका आंसर कर ही दोगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम डेब्यू 2022-23 बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू में मेल कैटेगरी यशस्वी जायसवाल, और फीमेल कैटेगरी में है अमनजोत कौर। अगर हम बेस्ट एम्पायर अवार्ड के बारे में बात करते हैं तो रोहन पंडित है 22-23 के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बेस्ट क्रिकेट एसोसिएशन अवार्ड किसे मिला है, तो आंसर हो जाएगा स्वराष्ट्र को, किसे मिला है, स्वराष्ट्र को। नेक्स्ट बेस्ट ऑलराउंडर रणजी ट्रॉफी, तो रणजी ट्रॉफी का एसोसिएशन क्रिकेट से है सभी को पता है, और यहाँ पे ऑलराउंडर के लिए सारांश जैन को मिला है जो कि मध्य प्रदेश से है। नेक्स्ट टाइटल हमारे लिए वीवी इम्पॉर्टेंट है, हम बात कर रहे हैं सीके नायडू ट्रॉफी फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट। ये ट्रॉफी दो लोगों को मिली है, एक फारूक इंजीनियर है और एक रवि शास्त्री है, इन दोनों का नाम आपको याद रखना है, रवि शास्त्री जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। तो ये है आपके बीसीसीआई अवार्ड। इसके अलावा आईसीसी, क्योंकि बीसीसीआई तो हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए हो गया है ना, आपका बीसीसीआई तो भारत का हो गया, अब बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे आईसीसी के बारे में। तो आईसीसी अवार्ड 2023 के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले है मेंस कैटेगरी, देन वीमेंस कैटेगरी हम देखेंगे। 2004 से इन अवार्ड्स को दिया जा रहा है, ठीक है। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है पैट कमिंस को, और जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं, पैट कमिंस आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर रहे हैं। अब ये जो ट्रॉफी मिलती है ना आपको मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर की, इस ट्रॉफी का अपना एक नाम है, और ट्रॉफी का नाम क्या है, सर गारफील्ड सॉबर्स ट्रॉफी। तो क्वेश्चन आपको ये नहीं मिलेगा कि आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है, क्वेश्चन ज्यादातर ये पूछा जाता है कि सर गारफील्ड सॉबर्स ट्रॉफी किसे दी गई है, तो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं, पैट कमिंस को दी गई है। नाउ मूव करते हैं वीमेंस प्लेयर के बारे में, ठीक है। तो वीमेन कैटेगरी में जो ट्रॉफी दी जाती है आईसीसी वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो ट्रॉफी, उसका नाम है रचेल हे हो फ्लिंट ट्रॉफी। ये ट्रॉफी दी गई है नेट स्किवर को, ये आपको दिख रही है, और ये इंग्लैंड की ऑलराउंडर है, सेकेंड टाइम उनको ये ट्रॉफी दी जा रही है, ओके।
अब हमारे लिए अगले जो नाम है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हम ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर के बारे में बात कर रहे हैं। आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन रहे हैं? विराट कोहली रहे हैं। ठीक है, इंडियन बैटर है विराट कोहली और ये आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर रहे हैं। देखो, एक होता है ओडीआई, फिर एक होता है आपका टेस्ट मैच, और ये एक होता है आपका T20 इंटरनेशनल। तीनों के अलग अलग अवार्ड है। तो ओडीआई तो आपने देख लिया कि विराट कोहली है। फिर आपका टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं जिनका नाम है उस्मान ख्वाजा, ये टेस्ट में हैं। और T20 इंटरनेशनल में अगेन आपको इंडियन नाम देखने को मिलेगा, और वो कौन है? सूर्य कुमार यादव। वेरी इंपॉर्टेंट नेम, सूर्य कुमार यादव को T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया है। ठीक है, तो हमको क्या क्या याद रखना है? पहला ODI याद रख लीजिए और T20 याद रख लीजिए। ODI एंड T20 दोनों इंडियन है। ODI के लिए विराट कोहली और T20 इंटरनेशनल के लिए सूर्य कुमार यादव। जब वो दोनों नाम याद हो जाए तो टेस्ट के लिए है उस्मान ख्वाजा। ठीक है, अब बात करेंगे आईसीसी वीमेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर। सो ODI वीमेंस कैटेगरी में अगर हम बात करते हैं तो ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर आप देखेंगे ये श्रीलंका की प्लेयर है जिनका नाम है चामरी अथापथतु, इन्हें ये टाइटल दिया गया है। ठीक है, फिर है T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर वीमेंस कैटेगरी में मैथ्यू है, सेकेंड सेकेंड टाइम इनको ये बेस्ट, मतलब सेकेंड प्लेयर है वेस्ट इंडीज से जिनको ये टाइटल दिया जा रहा है। ठीक है, और आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन रहे हैं? रचिन रविंद्र रहे हैं न्यूजीलैंड से, इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर। नेक्स्ट है आईसीसी वीमेन इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर, लिटफील्ड ऑस्ट्रेलिया से। अब अगली जो ट्रॉफी है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरी बात समझिएगा। आपको आईसीसी बेस्ट मैन प्लेयर वीमेन प्लेयर याद रखना है जो स्टार्टिंग में हमने देखे थे, उसके बाद आपको T20 मेंस कैटेगरी में T20 इंटरनेशनल और ODI याद रखना है, उसके बाद आप इसे याद रखिएगा जो कि आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर है। इस ट्रॉफी का नाम क्या है? डेविड सेफर्ड ट्रॉफी है, और ये किसे दी गई है? रिचर्ड रिचर्ड इलिंगवर्थ को दी गई है जो कि इंग्लैंड से हैं, और थर्ड टाइम उनको ये टाइटल दिया जा रहा है। 2019 और 2022 में भी उन्हें ये ट्रॉफी मिल चुकी है। ठीक है, चलिए अंत में बात करेंगे, दो शॉर्ट न्यूज है हमारे पास आपका स्पोर्ट्स एसोसिएटेड, फिर हम नेशनल न्यूज की तरफ मूव करेंगे। यूनाइटेड कप, यूनाइटेड कप का रिलेशन होता है टेनिस से, और यूनाइटेड कप का टाइटल जीता है जर्मनी। जर्मनी वॉन द यूनाइटेड कप ऑफ टेनिस आफ्टर डिफीटिंग पोलैंड। पोलैंड को हरा के जर्मनी ने यूनाइटेड कप का टाइटल जीता है। यूनाइटेड कप का रिलेशन टेनिस से है। अब इनका नाम हमको, मैंने आपको पहले भी याद कराया था, रेड कलर की टी शर्ट है, देख ली, रेड फर्न इनका नाम है। ओके, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मतलब आईसीसी ने स्यू रेडफर्ड को सेलेक्ट किया है, और ये पहली फीमेल न्यूट्रल एम्पायर बन रही है फॉर द बायलेटरल सीरीज। इन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में T20 इंटरनेशनल मैचेस हैं उसके लिए इन्हें एम्पायर बनाया गया है बाय द आईसीसी। ठीक है, न्यूट्रल एम्पायर डन। तो ये पूरे जनवरी मंथ के इम्पॉर्टेंट आपके स्पोर्ट कैटेगरी थी। नाउ मूव करते हैं नेशनल न्यूज़ के बारे में। नेशनल न्यूज़ में जनरली स्कीम होती हैं, आइए एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले है वाइब्रेंट गुजरात समिट के बारे में। सो कौन सा एडिशन है ये? 10th एडिशन है, हम सभी को पता है 10th एडिशन था प्रेस्टीजियस वाइब्रेंट गुजरात समिट का, और इसमें पार्टिसिपेट किया था IDEX ने। IDX क्या है? इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत एक फ्लैगशिप स्कीम है जो कि इनोवेशन को प्रमोट करती है अंडर द आत्मनिर्भर भारत, कि हम चाहते हैं कि रक्षा मंत्रालय मतलब रक्षा के जो सेक्टर हैं, डिफेंस जो सेक्टर हैं, उसमें भी हम नए इनोवेशन कर सकें और आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करते हुए नई टेक्नोलॉजी को हम इवॉल्व करें। तो इसलिए IDX को बनाया गया था 2018 में। इसे 2018 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। बेसिकली ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है न्यू स्टार्टअप्स को, इनोवेशंस को, या फिर MSME को। ठीक है, तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया है कहाँ पर? 10th एडिशन ऑफ प्रेस्टीजियस वाइब्रेंट गुजरात समिट। अब वाइब्रेंट गुजरात समिट की जब बात हो रही है तो कुछ बातें और हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, वाइब्रेंट गुजरात समिट के एक दिन पहले हमारे देश का लार्जेस्ट ग्लोबल ट्रेड शो ऑर्गेनाइज किया गया था गांधीनगर में। ठीक है, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के एक दिन पहले गांधीनगर गुजरात में लार्जेस्ट ग्लोबल ट्रेड शो हुआ था।
ट्रेड शो में क्या होता है, 5 डेज तक चलने वाला ये ट्रेड शो था, कोई दिक्कत नहीं. ट्रेड शो में होता है अलग अलग कंट्रीज के जो पार्टिसिपेंट हैं, इन्वेस्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, वो सभी लोग यहाँ आकर पार्टिसिपेट करते हैं. तो लगभग 100 कंट्री से अलग अलग पार्टिसिपेंट्स आए हुए थे जिन्होंने इसे ज्वाइन किया था, और अपने पेवेलियंस भी लगाते हैं, अपने वर्कशॉप्स को कंडक्ट करते हैं. ओवर 1,000 एग्जीबिटर इन द रिसर्च सेक्टर रिप्रेजेंटिंग 20 कंट्री इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी, नॉर्वे, इन सभी लोगों ने ट्रेड शो में पार्टिसिपेट किया था. अब यहाँ पे जो ट्रेड शो था, तो ट्रेड शो के कई सारी थीम्स थी, जैसे कि मेक इन गुजरात, आत्मनिर्भर भारत, इस तरीके से आपको थीम देखने को मिली. ट्रेड शो में कौन कौन प्रेजेंट थे, तो ऑब्वियसली बात है गुजरात में था, तो गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल तो शामिल होंगे ही. हमारे लिए इंपॉर्टेंट है प्रेसिडेंट ऑफ मोजाम्बिक जिनका नाम है फिलिप न्यूसी. क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि वाइब्रेंट गुजरात में किस कंट्री के प्रेसिडेंट शामिल होते, क्वेश्चन इतना आएगा कि प्रेसिडेंट ऑफ मोजाम्बिक कौन है, या फिर पूछा जाएगा कि फिलिप न्यूसी जो रिसेंटली न्यूज में थे वो किस कंट्री के प्रेसिडेंट है. क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है. अगर आप लोग ट्रेंड देख रहे हैं, ट्रेंड समझने के लिए बड़ा सिंपल सा है, आप मॉक दीजिए. मॉक नहीं दे पा रहे हो तो आप लास्ट 3 ईयर्स के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, तो आपको एक ट्रेंड समझ में आएगा कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन आपसे चाहता है. ठीक है, तो आपको पता चलेगा ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं. फिलिप न्यूसी प्रेसिडेंट ऑफ मोजाम्बिक एंड प्रेसिडेंट ऑफ तिमोर लिस्ते जिनका नाम है जोस रामोस होर्टा, इन दोनों लोगों ने पार्टिसिपेट किया था ट्रेड शो में. ठीक है, फिर जब तिमोर लिस्ते ने पार्टिसिपेट किया, अगर आप यहाँ ईस्ट तिमोर भी बोला जाता है, आप यहाँ देखिए ये पैसिफिक ओशन में कई सारे आइलैंड्स देख रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है ईस्ट तिमोर. ईस्ट तिमोर की कैपिटल है दिल्ली, तो दिल्ली से दिल्ली, दिल्ली हमारी कैपिटल, दिल्ली इनकी कैपिटल, इसको कनेक्ट कर दो. तो जब ये आए थे तो ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ MOU एग्रीमेंट तो साइन करेंगे ही, तो बिल्कुल इंडिया का कमिटमेंट है यहाँ पे कि हम दिल्ली से दिल्ली कनेक्टिविटी को तैयार करेंगे. इसके अलावा हम तिमोर लिस्ते क्योंकि छोटा सा आइलैंड नेशन है, तो हम आपको कई तरीके के असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, IT इंडस्ट्री डेवलपमेंट में, एनर्जी इफिशियंसी में, हेल्थ केयर, मेडिसिन एंड फार्मा में आपको हम असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे, ऐसा हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कहा गया है. इतना ही नहीं, जब तिमोर लिस्ते के प्रेसिडेंट आए थे तो उनको इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ सजेशन भी दिए हैं कि एक काम करो बेटा, आप ना CDRI और इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन कर लो. ठीक है, सो यहाँ पे इन्विटेशन दिया गया है ईस्ट तिमोर को कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन कर लें. इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फॉर्मेशन 30 नवंबर 2015 में हुआ था, 2015 में इंडिया और फ्रांस का ज्वाइंट इनिशिएटिव है ये. ओके है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं CDRI को भी ज्वाइन करने का इन्विटेशन दिया है. CDRI का मतलब है कॉलिशन फॉर द डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और 2019 में इस बॉडी का फॉर्मेशन हुआ था. इतना ही नहीं, तिमोर लिस्ते ईस्ट तिमोर ने यह भी कहा है कि हम भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेशन के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के साथ है और भारत का मुद्दा उठाएंगे. चलो देखते हैं, जब मीटिंग होगी तब समझेंगे. नेक्स्ट बात करेंगे, अगेन हम पहुंच चुके हैं 10th वाइब्रेंट गुजरात समिट में. तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ चेक रिपब्लिक पीटर फिलाल, ठीक है, चेक रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर है पीटर फिलाल, एक गेस्ट ऑफ द ऑनर रहे हैं आपके गांधीनगर गुजरात का वाइब्रेंट समिट में. ठीक है, चेक रिपब्लिक पार्टनर कंट्री भी रहा है, इंपॉर्टेंट है, चेक रिपब्लिक पार्टनर कंट्री भी रहा है हमारे ग्लोबल गुजरात वाइब्रेंट समिट में. ठीक है, इसके अलावा एक रोड मैप भी प्रेजेंट किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कि 2047 तक हम भारत को डेवलप्ड नेशन कैसे बनाएंगे. एक होते हैं डेवलपिंग कंट्री जो कि अभी हम हैं, मतलब विकासशील देश जो अभी हम विकास कर रहे हैं, डेवलप्ड कंट्री जो होते हैं विकसित विकसित देश, जैसे कि अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है. तो इंडिया का भी एक रोड मैप तैयार किया गया कि 2047 तक भारत को 2047 तक किस तरीके से हमें डेवलप्ड नेशन तैयार करना है. ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे थीम क्या थी, तो गेटवे टू द फ्यूचर. वाइब्रेंट गुजरात समिट की थीम क्या है, गेटवे टू द फ्यूचर है. तो आई थिंक आपको सारी की इंफॉर्मेशन मिल गई है अबाउट द 10th गुजरात वाइब्रेंट समिट. डन, चलिए अब पहुंच जाते हैं हम हरदीप सिंह पुरी के पास. ये जो फोटो दिख रही है हरदीप सिंह पुरी की है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को संभालते हैं ये. ठीक है, तो इन्होंने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है, स्ट्रीट वेंडर गेट अ बूस्ट, पैसा डैशबोर्ड एंड PM स्वनिधि पोर्टल लॉन्च्ड. तो यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा यहाँ पर पैसा डैशबोर्ड को लॉन्च किया गया है. अब ये सारी कहानी क्या है, तो आप लोगों ने एक स्कीम के बारे में सुना होगा, PM स्वनिधि स्कीम.
पीएम स्वनिधि स्कीम, याद आया कुछ? कोविड के समय इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। हमारे देश में जो स्ट्रीट वेंडर है, जो रोड के किनारे ठेला वगैरह लगाते हैं, तो कोविड के समय उनकी दुकानें बंद हो गई थी, उनके बिजनेस को वापस से रिवाइव करने शुरू करने के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम को लॉन्च किया गया था 1 जून को 2020 में। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है और फुली फंडेड है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो पीएम स्वनिधि जो स्कीम है उसमें क्या किया था, स्ट्रीट वेंडर्स ने लोन दिया था, लोन लिया था गवर्नमेंट से। अब लोन को रिपे कैसे करना है, अगर उनकी कोई शिकायतें हैं, ग्रीवेंस हैं, या फिर उनके कोई डिस्प्यूट है तो सॉल्व कैसे करना है, तो उसके लिए एक ऑनलाइन टूल की रिक्वायरमेंट थी। वही ऑनलाइन टूल है पैसा डैशबोर्ड, पैसा फॉर द रियल टाइम लोन ट्रैकिंग एंड पीएम स्वनिधि फॉर द स्कीम मॉनिटरिंग। तो जो भी वेंडर के डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए ऐसे तैयार किया गया है। ठीक है, तो पैसा डैशबोर्ड का रिलेशन किस स्कीम से है, मैटर खत्म, इतना क्वेश्चन बन गया। तो आंसर हो जाएगा पीएम स्वनिधि स्कीम से। जो स्कीम न्यूज में रहती है ना, उन स्कीम की जनरली नोडल मिनिस्ट्री पूछे जाती है, और वो स्कीम कब लॉन्च की गई थी वो पूछा जाता है। तो दो चीजों पे आपको विशेष फोकस रखना है कि कोई स्कीम अगर न्यूज में, जैसे कि अंतरिम बजट में देखो कितनी सारी स्कीम्स थी, मैंने सारी स्कीम वहीं पे मेंशन कर दी थी, इसलिए क्योंकि मुझे पता है अगर अंतरिम बजट में कोई स्कीम की चर्चा हुई है तो वो डेफिनेटली एग्जाम में छपने के लिए तैयार है। ठीक है, तो आप जो भी स्कीम न्यूज में रहती है ना, आप एक चार्ट बना लो। कैसा चार्ट बनाओगे, आप एक टेबल बनाइए, मैं बताती हूँ पढ़ने का तरीका कैसा होता है। ठीक है, एक टेबल बनाइए, टेबल में लिखिए, हमको ज्यादा पहले नहीं जाना, हमको 2014 से ही बातें करनी। रीजन क्योंकि एक देखो, आप कुछ भी ले लो, एक ट्रेंड रहता है, एक सिनेरियो रहता है कि अगर जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट होती है पेपर भी उसके अकॉर्डिंग ही जनरली बनते हैं, क्योंकि उनकी अचीवमेंट, उनकी स्कीम हमें दिखानी है जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है। जनरली यही सिस्टम चला आता है हमारे देश में। ठीक है, तो हमको 2014 से याद करना, 2014 लिख लिया, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इस तरीके से टेबल बना ली, और जो स्कीम जहां लॉन्च हो रही है उनको यहाँ पर लिख लिया। तो टेबल बनाइए और टेबल के साथ लिखते जाइए। तो जैसे अगर आप यहाँ पर आज लिखते हो पीएम स्वनिधि स्कीम, तो अगर आपने पहले कभी कोई स्कीम लिखी होगी तो आप उनको एक बार याद कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने लिख दिया स्टार्टअप इंडिया, है ना, स्टार्टअप इंडिया, तो 2016 में हमने लॉन्च किया तो यहाँ पर लिख लिया। बात समझ में आ रही है, ऐसे काम कीजिए, एक टेबल बना लीजिए और उस टेबल का चार्ट अपने कमरे में जहां भी आप स्टडी करते हो उसको चिपका लीजिए, जब भी निकलो उसको पढ़ते जाओ, याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं मूल प्रवाह के बारे में। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है, मतलब यूजीसी, तो यूजीसी के द्वारा मूल प्रवाह 2.0 को लॉन्च किया गया है। अभी मूल प्रवाह 2.0 क्या है, बेसिकली यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन चाहती है कि जो हायर एजुकेशन है उनमें वैल्यूज एंड एथिक्स ट्रांसफर हो। हमारे जो लोग हैं, चाहे वो टीचर हैं, स्टूडेंट्स हैं, हायर एजुकेशन में जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को तो समझें कि उनके क्या मौलिक कर्तव्य हैं, उन्हें देश के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, समाज के लिए क्या करना चाहिए, और एक एथिकल वैल्यू डेवलप हो। इसलिए मूल प्रवाह को 2.0 को लॉन्च किया है, यूजीसी ने किया है, मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने किया है। ये मॉडिफाइड वर्जन है 2019 के मूल प्रभा का, 2019 में जो मूल प्रभा लॉन्च किया था उसका ही एडवांस वर्जन है मूल प्रभा 2.0। देखो यहाँ पे मैं न्यूज ना शॉर्ट में डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि डिटेल ऑलरेडी हमने डेली करंट अफेयर्स में डिस्कस किए, अभी मेरा मकसद है आपको रिवाइज कराना। चलिए अब बात करते हैं अटल सेतु के बारे में। इंडिया का लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है अटल सेतु। अटल सेतु मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के नाम से भी जाना जाता है, और इसे इनॉग्रेट किया गया है 12th of January। अच्छा, 12 जनवरी को क्या था, यूथ डे भी था, स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी, और इस साल का यूथ डे हमने कहाँ सेलिब्रेट किया, नासिक महाराष्ट्र में किया। ठीक है, तो 12 जनवरी 2024 को हमने इनॉग्रेट किया है इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज जिसका नाम है अटल सेतु। इस ब्रिज को बनाने में 17,840 करोड़ रुपए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आया, 17,840 करोड़ रुपीज लगा है। 6 लेन का ये सी ब्रिज है, ठीक है, जो कि 15 मीटर हाइट पर है सी लेवल से, जो कि 70,000 व्हीकल इट कैन बी अकोमोडेट डेली, जो जिससे 70,000 व्हीकल डेली जा सकते हैं। ठीक है, अभी जो ब्रिज है टोटल इसकी लेंथ 22 किलोमीटर की है, अटल सेतु जो बनाया गया है वो 22 किलोमीटर का है, जिनमें से समुद्र में कितना है तो 16.5 किलोमीटर ओवर सी है एंड 5.5 किलोमीटर आपको जमीन मतलब लैंड पे देखने को मिलेगा। तो टोटल 22 किलोमीटर लंबा आपको ये अटल सेतु देखने को मिल रहा है। 17,880
सॉरी 840 रुपये की कॉस्ट के साथ, करोड़ कॉस्ट के साथ इसको तैयार किया है। अगर एग्जैक्ट मैं लेंथ बताऊं तो 21.8 किलोमीटर है, जिसको समराइज करके वहां पे 22 लिखा हुआ है। क्लियर इतनी चीजें। ये हमारी कंट्री का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है और पूरे वर्ल्ड का ये 12th नंबर का, कंट्री का तो फर्स्ट नंबर पे है, वर्ल्ड का 12th लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है आपका। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा गया है, अटल सेतु इसका नाम है। 2017 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसकी कंस्ट्रक्शन को शुरू किया था और फाइनली इसको इनॉग्रेट कर दिया गया है। चलिए, अब गवर्नमेंट ने पृथ्वी विज्ञान स्कीम को भी अप्रूव कर दिया है। गवर्नमेंट अप्रूव पृथ्वी विज्ञान स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर काम करेगी। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इसको 21 से 26 के लिए इंप्लीमेंट किया जाएगा, 2021 से 2026 तक के लिए इंप्लीमेंट किया जाएगा पृथ्वी विज्ञान स्कीम। कैबिनेट ने रिसेंटली इसको अप्रूवल दिया है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, और इसके लिए एक बजट भी रखा है 4797 करोड़ रुपीज, 4797 करोड़ रुपीज इस स्कीम के लिए दिया गया है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि पृथ्वी विज्ञान स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। कब से कब तक इंप्लीमेंट की जाएगी? 2021 से 2026 तक इंप्लीमेंट की जाएगी। इसके अलावा क्वेश्चन बनेगा बजट, तो 4797 करोड़ रुपीज। देखो जनरली ना डेटा, आजकल डेटा बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो बजट वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम के बजट आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये जो है बेसिकली हमें रिसर्च वर्क, हमारे ओशियन रिसर्च हो गया या एटमॉस्फेयर की रिसर्च हो गई, ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर में रिसर्च वर्क होगी, तो रिसर्च वर्क को प्रमोट करने के लिए पृथ्वी विज्ञान स्कीम है। इसकी 5 सब स्कीम्स भी हैं, जैसे कि एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विसेज, ओशियन सर्विस मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी, पोलर साइंस एंड द क्रायोस्फेयर रिसर्च, सिस्मोलॉजी एंड जियो साइंस, रिसर्च एजुकेशन ट्रेनिंग एंड आउटरीच। तो बेसिकली अलग अलग फील्ड में रिसर्च के लिए ही आपको ये स्कीम देखने को मिल जाएगी, आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एक्सपांड सिंप्लीफाइड सर्टिफिकेशन स्कीम फॉर द 37 प्रोडक्ट। अब देखिएगा, जो हमारा टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंदर काम करता है, उन्होंने रिसेंटली 37 इक्विपमेंट 37 प्रोडक्ट, जैसे कि आपके गेटवेज होते हैं, जैसे आपके क्या होगा गेटवे, आईपी सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आईपी टर्मिनल, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स हैं, ट्रांसमिशन टर्मिनल इक्विपमेंट है, ऐसे 37 इक्विपमेंट को सिंप्लीफाइड सर्टिफाइड स्कीम के अंतर्गत लाया गया है। मतलब इन्हें सर्टिफिकेट दिया है सिंप्लीफाइड सर्टिफिकेशन स्कीम, 37 नए प्रोडक्ट को इसमें जोड़ा गया है, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा, अगर टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर का कोई भी बिजनेसमैन है, कोई भी प्लेयर है, और उनको ये इक्विपमेंट खरीदने हैं, तो यहाँ पर इन इक्विपमेंट को खरीदने के लिए या इनको इंस्टॉल करने के लिए एक प्रोसेस होती है, ठीक है, तो उसमें समय लग जाता है, तो इस सर्टिफिकेशन प्रोसेस से क्या होगा, टाइम रिड्यूस होगा। The expansion aim to streamline the certification process and reduce the time taken for certification from 8 weeks to the 2 weeks. जिससे ease of doing business हमारे देश में बढ़ेगा, और जब ease of doing business बढ़ता है तो investment भी ज़्यादा होता है। अब now हमारे पास 49 ऐसे product हो गए हैं जिनको simplified certification scheme के अंतर्गत लाया गया है। इससे एक और फायदा ये होगा कि जो इनकी evolution fees है वो completely waive off कर दी जाएगी, completely खत्म कर दी जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, गवर्नमेंट एक्सटेंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री PLI स्कीम बाय द 1 ईयर विथ पार्शियल अमेंडमेंट। अब यहाँ पे आप समझिए, सबसे पहले तो ये PLI क्या है? PLI मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, नाम समझ में आ रहा है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। अलग अलग सेक्टर के लिए काम करती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल, तो कोई कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स तैयार करती है, और गवर्नमेंट तो चाहती है कि हमारा नेट कार्बन एमिशन जीरो हो बाय द 2070। तो ऐसी कंपनी जो इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल बना रही हैं, ऐसे MSME या स्टार्टअप ऐसा काम कर रहे हैं, तो इनिशियली उनको फंडिंग की थोड़ी सी शॉर्टेज होती है, तो क्यों ना उनको इस काम के लिए इंसेंटिव दिया जाए। आप जितनी मैन्युफैक्चरिंग करो, जितने प्रोडक्ट बनाओ, उसके अकॉर्डिंगली हम आपको एक इंसेंटिव दें। यही अलग अलग सेक्टर के लिए काम करती है, जिसको हम PLI स्कीम या प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम कहते हैं।
तो अभी रिसेंटली क्या किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के द्वारा एक पार्शियल अमेंडमेंट किया गया, और जो पीएलआई स्कीम है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए वो 1 साल के लिए एक्सटेंड की गई है। ठीक है, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट के लिए 1 साल के लिए पीएलआई स्कीम को फर्दर एक्सटेंड किया गया है। यूनियन गवर्नमेंट ने 2021 में ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम लाई थी, जिसके लिए बजट रखा गया था 25,938 करोड़ रुपीज फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, 5 सालों के लिए, 2022-23 से 2026-27 के लिए। क्लियर है, मकसद आपको क्लियर हो ही चुका है। जीरो एमिशन व्हीकल्स, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स, मतलब ये फोकस एरिया है, क्योंकि ये तीनों एरियाज जो हैं वो कार्बन एमिशन को रिड्यूस करेंगे। ठीक है, द इंसेंटिव अंडर द स्कीम, किनको इंसेंटिव मिलेगा, जो लोग 2022-23 से 2026-27 इन 5 साल के पीरियड में काम कर रहे हैं, अपना मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो ऐसी कंपनीज स्टार्टअप्स को इंसेंटिव दिया जाएगा। और इंसेंटिव का डिस्ट्रीब्यूशन, डिसबर्समेंट कब होगा, 2023-24 से 2027-28 के लिए ये इंसेंटिव दिया जाएगा। क्लियर, बस इतना ही आपको जानना है, हो गया। चलिए अब बात करते हैं पेंशन रूल अमेंडमेंट के बारे में। तो वीमेन एम्प्लॉय कैन नॉमिनेट चिल्ड्रन ओवर हर हस्बैंड फॉर द फैमिली पेंशन। तो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर के द्वारा रिसेंटली एक अमेंडमेंट किया गया है। अगर कोई मैरिड कपल है और उनके बीच में डिस्प्यूट हो जाते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं, और वो लेडी जो है वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो वो जरूरी नहीं है कि वो अपने हस्बैंड को ही नॉमिनेट करे, नॉमिनेशन दे आपकी पेंशन का, वो अपने बच्चे को भी नॉमिनेशन दे सकती है। तो इस तरीके से ये रूल अमेंडमेंट किया गया है। ठीक है, वुमेन एम्प्लॉय कैन नॉमिनेट चिल्ड्रन ओवर हर हस्बैंड, अगर उनके बीच में लड़ाई है, लड़ाई नहीं भी है तो भी आप ऐसा कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्लॉज क्या है, व्हेन द फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट अ पेंशनर हैज फिल्ड अ डिवोर्स पिटीशन और पिटीशन अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, डाउरी प्रोविजन एक्ट और केसेस अंडर इंडियन पीनल कोड। अगर कोई महिला है, उसने अपने हस्बैंड से डिवोर्स लिया है या फिर पिटीशन फाइल की है घरेलू हिंसा के खिलाफ, दहेज के खिलाफ या फिर आईपीसी के खिलाफ, तो ऐसी महिला एलिजिबल है, वो पेंशन के लिए अपने हस्बैंड के ऊपर अपने बच्चे का नाम डाल सकती हैं। तो ये छोटा सा अमेंडमेंट यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर के द्वारा किया गया है। ठीक है, डन। नेक्स्ट है पीआईएल इन सुप्रीम कोर्ट। देखो एक थोड़ी सी छोटी सी कहानी है, कभी काफी लंबे समय से जो कहानी चल रही थी कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको कैसे नियुक्त किया जाना चाहिए, चीफ इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट कैसी होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट सामने आता है, वो बोलता है कि हम एक कमेटी बनाते हैं और उस कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद हम इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करेंगे, जो हमारे कमिश्नर्स होते हैं उनको अपॉइंट करेंगे। फिर गवर्नमेंट एंट्री लेती है और गवर्नमेंट कहती है नहीं, ये जो कमेटी होगी उसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई लेना देना नहीं, सुप्रीम कोर्ट को बाहर कर देती है और एक नई कमेटी बना देती है। क्या कमेटी बनाती है, तो एक कमेटी होगी जिसमें प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन मतलब विपक्ष का नेता होगा, इसके अलावा यूनियन कैबिनेट का एक मिनिस्टर होगा जिसको नॉमिनेट करेंगे खुद प्राइम मिनिस्टर। तो इस तरीके से 3 लोगों की कमेटी होगी और उस कमेटी का रिकमेंडेशन आएगा, और रिकमेंडेशन के बाद प्रेसिडेंट के पास अप्रूवल के लिए जाएगा, एंड देन हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेंगे। तो इसी के खिलाफ एक पीआईएल लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, सो पीआईएल इन सुप्रीम कोर्ट चैलेंज न्यू लॉ ऑन अपॉइंटिंग ऑफ द सीईसी मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर, कॉल फॉर ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये पूरा मामला है, तो आपको बस कमेटी का नाम याद रखना है कि कमेटी में कौन कौन रहने वाला है। डन, ओके। पीआईएल का मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन ने रिसेंटली एक नए रूल्स भी लेकर आए थे, किस लिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस न्यू रेगुलेशन फॉर अलोकेटिंग सिंबल्स टू रजिस्टर अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी। तो जो आपकी रजिस्टर अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी है, अगर उनको सिंबल चाहिए है, जो चुनाव चिन्ह होते हैं, तो उसके लिए कुछ नए रूल्स बनाए हैं इलेक्शन कमीशन ने। क्या है वो नए रूल्स, तो पहला तो ये जो पार्टी है उसको अपने 3 साल का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है अपनी प्रॉपर 3 साल की आपको ऑडिटिंग करानी पड़ेगी। ठीक है, आपके जो लास्ट 2 इलेक्शंस में, पिछले 2 इलेक्शंस में आपने जो खर्चा किया है, आपका जो एक्सपेंडिचर है, उसकी रिपोर्ट आप हमको पब्लिश करो।
ठीक है, सिग्नेचर ऑफ द ऑथराइज पार्टी ऑफिशियल अलॉन्ग विद देयर सिंबल एप्लीकेशन। उसके बाद ऑथराइज पार्टी का जो हेड है, प्रेसिडेंट है, वो सिग्नेचर करके हमको सिंबल मतलब चुनाव चिन्ह के साथ दे, उसके बाद हम आपको चुनाव चिन्ह अलॉट करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 324 में आपको इलेक्शन कमीशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, इलेक्शन कमीशन कोई पार्टी नेशनल पार्टी है या नहीं, चुनाव चिन्ह का आवंटन करना, मतदाता सूची को तैयार करना, ये सारे काम कौन करता है, इलेक्शन कमीशन करता है। ठीक है, अगर हम सिंबल्स की बात करते हैं तो दिस इज डन अंडर द इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के अंदर हमारे इलेक्शन कमीशन को ये राइट है। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन, कब लॉन्च किया गया था जल जीवन मिशन को, तो अगेन वो टेबल याद आई, उस टेबल में आप जाइएगा 2019 में, 2019 15th of August 2019 में जल जीवन मिशन को लॉन्च किया था। नोडल मिनिस्ट्री लिख लीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जल शक्ति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जल शक्ति मंत्रालय नोडल एजेंसी है जल जीवन मिशन की। मकसद क्या है जल जीवन मिशन का, तो मकसद है कि 2024 तक टैप वाटर कनेक्शन मतलब पीने योग्य पानी हर एक व्यक्ति के घर तक जाए 2024 तक रूरल एरियाज में। ठीक है, ये इसका मकसद है, तो एक टेबल बना के आपने ये लिख लिया। आई अब न्यूज में क्यों है, तो जल जीवन मिशन ने एक माइल्ड स्टोन अचीव किया है, 14 करोड़ रूरल हाउस होल्ड 72.71% नाउ हैव टैप वाटर। तो लगभग 14 करोड़ ऐसे रूरल हाउस होल्ड हैं, ग्रामीण घर हैं, जिनके घरों में टैप वाटर कनेक्शन है, मतलब जो कि हमारे देश का 72% है। ठीक है, अभी तक 2 लाख गांव ऐसे हैं, 2 लाख विलेजेस ऐसे हैं जिनके पास टैप वाटर कनेक्शन पहुंच चुका है। एज ऑफ टुडे हमारे देश में कुछ स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं जो कि 100% टैप वाटर कनेक्शन वाले हैं, जैसे कि गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, और यूनियन टेरिटरी में देखोगे आप पॉन्डिचेरी, दादर नगर हवेली एंड अंडमान निकोबार, इनके पास 100% टैप वाटर कनेक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है स्मार्ट 2.0 मिशन टू बूस्ट आयुर्वेदा रिसर्च अमंग टीचिंग प्रोफेशनल्स। अब स्मार्ट का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आइए हम बात करते हैं स्मार्ट 2.0 लॉन्च फॉर आयुर्वेदा टीचिंग प्रोफेशनल। तो सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च आयुर्वेदिक साइंस, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, इसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इन दोनों ने मिलकर स्मार्ट 2.0 मिशन को लॉन्च किया है। स्मार्ट का फुल फॉर्म है स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च अमंग टीचिंग प्रोफेशनल प्रोग्राम। ठीक है, आयुर्वेदा के सेक्टर को हमें बूस्ट करना है, आयुर्वेदा के सेक्टर में लोग रिसर्च करें, स्टूडेंट रिसर्च करें, और जो प्रोफेशनल्स हैं वो भी इस सेक्टर में काम करें। ठीक है, इसलिए स्मार्ट 2.0 को लॉन्च किया गया है। डन, बस आपको नाम याद रखना है क्या फुल फॉर्म है। नेक्स्ट बात करेंगे, होम मिनिस्टर अमित शाह टू चेयर नेशनल PACS मेगा कॉन्क्लेव। अब ये क्या कहानी है, आइए हम देख लेते हैं। यूनियन होम मिनिस्टर है हमारे अमित शाह जी, इन्होंने रिसेंटली चेयर किया है नेशनल PACS मेगा कॉन्क्लेव, मतलब PACS का मतलब है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी की जो कॉन्फ्रेंस थी उसको चेयर करने का काम विज्ञान भवन नई दिल्ली में अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। इस कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज किसने कराया था, तो इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कराया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन कोलेबरेशन विद अ नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ मिलकर इसे ऑर्गेनाइज किया गया था अंडर द प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। ठीक है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी रिसेंटली ने अलाउ किया है कि ये प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र को ऑपरेट कर सकती हैं। ठीक है, मतलब इन सोसाइटीज को परमिशन दी है कि आप जेनरिक स्टोर ओपन कर सकते हैं और उनमें आप जेनरिक दवाइयां बेच सकते हैं अंडर द प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। जेनरिक मेडिसिन जनरल पब्लिक के लिए होंगी और इनकी जो कॉस्ट होती है वो 50 से 90% तक कम होती है जो मार्केट में आपको दवाइयां मिलती हैं। ठीक है, तो इनको अलाउ कर दिया गया है। चलिए, फर्स्ट इनलैंड वाटरवे डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग हुई थी 8 जनवरी को। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर सर्वनंदा सोनोवाल चेयर्ड फर्स्ट इनलैंड वाटरवे डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग। यहाँ पे कुछ अहम फैसले लिए गए थे। तो पहली मीटिंग थी ये, कहाँ पर हुई, कोलकाता में हुई। इनलैंड वाटरवे डेवलपमेंट काउंसिल इन कोलकाता में पहली मीटिंग हुई, चेयर कौन कर रहे थे, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे, मतलब सर्वनंदा सोनोवाल जिसको चेयर कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने कई सारे इनिशिएटिव लॉन्च किए, पहला इनिशिएटिव ये था
हरित नौका गाइडलाइंस फॉर ग्रीन ट्रांजिशन ऑफ इनलैंड वेसल्स एंड रिवर क्रूज टूरिज्म रोडमैप 2047। 2047 तक हमें क्या करना है, एक तो हरित नौका मतलब ग्रीन ट्रांजिशन की तरफ चलना है जिससे कार्बन एमिशन कम हो, और रिवर टूरिज्म को बढ़ावा देना है। तो ये पूरी स्कीम हम 2047 तक हमको क्या क्या काम करने हैं वो बताया गया, और 60,000 करोड़ रुपीज बजट दिया गया। 60,000 करोड़ बजट क्यों दिया गया है, रिवर क्रूज टूरिज्म को और ग्रीन वेसल्स को डेवलप करने, डिजाइन करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए का बजट दिया है। इनमें से 45,000 करोड़ रुपए रिवर क्रूज में खर्च होगा, और रिवर क्रूज मतलब हम अपना जो रिवर टूरिज्म है, जैसे कि सरयू रिवर पे हमने बोट चला दी, क्रूज चला दी, रिवर टूरिज्म को हमें बढ़ावा देना है। यहाँ पे बोला है कि अभी हमारी जो पैसेंजर कैपेसिटी है वो 2 लाख है, हम चाहते हैं कि 15 लाख हमारी पैसेंजर कैपेसिटी हो जाए 2047 तक। तो इसलिए हमें नए नए रिवर क्रूज को डेवलप करना है, इसके लिए 45,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और इसके अलावा कहा गया है कि अभी हम जो वाटरवेज हैं, जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र वाटरवे है, कृष्णा गोदावरी वाटरवे है, तो हमारे जो वाटरवेज हैं अभी हम उनसे केवल 2% ही ट्रांसपोर्ट करते हैं अपना गुड्स। हम चाहते हैं कि 5% हो जाए बाय द 2030, ठीक है। तो इसलिए इस मीटिंग में ये फैसले दिए लिए गए हैं, और 60,000 करोड़ रुपये बजट भी रखा गया है 2047 तक। नेक्स्ट है, पीएम मोदी अनवील स्वच्छ मंदिर कैंपेन फॉर द पिलग्रिम साइट्स। अब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा स्वच्छ मंदिर कैंपेन को लॉन्च किया गया था। कब से कब तक था, 14 जनवरी से लेकर 22 जनवरी, 14 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक इस कैंपेन को रन किया गया था। मकसद ये था कि अयोध्या को क्लीनेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड बनाना है, और हमारे देश में जितने भी धार्मिक स्थान हैं उन धार्मिक स्थानों को हमें कचरा फ्री बनाना है, गार्बेज फ्री बनाना है, ये इसका मकसद था, इसलिए इस कैंपेन को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, वन व्हीकल वन फास्टैग इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है, आंसर हो जाएगा NHAI। NHAI मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था वन व्हीकल वन फास्टैग इनिशिएटिव। 31 जनवरी तक हमको यहाँ पे KYC करानी थी, नहीं तो उन सबके जो फास्टैग हैं वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, फास्टैग क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा, रेडियो फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट होता है इस तरीके से, उसमें एक स्कैनर एक बारकोड जैसा आपको दिखाई देता है, जब आप टोल प्लाजा पे जाते हो तो ये स्कैन होता है, आपके अकाउंट से लिंक होता है और अकाउंट से डायरेक्टली पैसा डिडक्ट हो जाता है। इस तरीके से आपका ये फास्टैग काम करता है जिससे टोल प्लाजा में जो भी करप्शन है वो कम हो जाए, ट्रांसपेरेंसी मजबूत हो जाए, और जो हमारा ट्रैफिक है हम उसको रेगुलेट मैनेज कर सकें, इसलिए ये फास्टैग को लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पे बोला है कि एक व्हीकल के लिए एक फास्ट ट्रैक, होता क्या था कई बार कि एक ही फास्ट ट्रैक को दो तीन व्हीकल्स में लगा के रखा हुआ है, तो ऐसा ना हो इसलिए वन व्हीकल वन फास्ट ट्रैक इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था। तो फास्ट ट्रैक जो है वो RFID से काम करते हैं, मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन से काम करते हैं, और RBI ने ये नोटिस दिया था कि आप जल्दी से जल्दी सारे कस्टमर का KYC कराएं, मैंडेट करें। नेक्स्ट है एल एन टी सिक्योर मेगा ऑर्डर। तो जापान की फर्म से L&T को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, जो अहमदाबाद से मुंबई के बीच में बुलेट ट्रेन चल रही है उसका कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन करने का ऑर्डर L&T को दिया गया है। आइए हम बात कर लेते हैं, तो L&T को एक मेगा ऑर्डर मिला है, वो ऑर्डर क्या है, मुंबई अहमदाबाद जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है उसका कंप्लीटली इलेक्ट्रिफिकेशन करना है। जब ये कंप्लीटली इलेक्ट्रीफाई हो जाएगी तो बुलेट ट्रेन की स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर की आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये ऑर्डर किसने दिया है, जैपनीज एक एजेंसी ने दिया है, क्योंकि जापान की एजेंसी ही इस पूरे प्रोग्राम को रन कर रही थी। दिस प्रोजेक्ट इज बीइंग फंडेड बाय जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, ठीक है, इसके द्वारा से तैयार किया जा रहा था ऑन द बिहाफ ऑफ नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब REC को भी एक ऑर्डर मिला है, REC लिमिटेड साइन MOU विथ रेल विकास निगम लिमिटेड फॉर मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो REC और रेल विकास निगम लिमिटेड के बीच में एक MOU साइन हुआ है, और दोनों मिलके हमारे देश में कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, और ये जो है वो 5 ईयर के लिए, 5 सालों के लिए MOU है, जिसके लिए बजट है 35,000 करोड़ रुपीज, 35,000 करोड़ रुपए की डील हुई है। कई सारे प्रोजेक्ट जैसे कि रेल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, रोड बनाना है, पोर्ट्स बनाना है, मेट्रो प्रोजेक्ट है, दोनों मिलके काम करेंगे, ठीक है। अब REC लिमिटेड क्या है, REC लिमिटेड है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि एक महारत्न कंपनी है और मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर काम करती है, और एक फाइनेंस कंपनी है जिसको 1969 में बनाया गया था, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट होते हैं उन सबको फंडिंग करने का काम REC भी करती है,
लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करती है बेसिकली पावर एंड नॉन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए। वैसे ही आरबीएनएल है, रेल विकास निगम लिमिटेड, जो कि एक नवरत्न कंपनी है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की। इसको 2003 में बनाया गया था जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर को और फास्ट हम कर सकें। सीएमडी है प्रदीप गौर। चलिए नेक्स्ट है अमृत मिशन। हमारे लिए न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि अमृत मिशन का फुल फॉर्म क्या है, उसे कब लॉन्च किया गया था, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहले हम न्यूज को देखेंगे, फिर अमृत स्कीम को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फ्रांस डेवलपमेंट एजेंसी AFD एंड जर्मनी KfW बैंक आर इन टॉक विद इंडिया टू प्रोवाइड 100 मिलियन यूरो लोन टू फंड द कंट्री अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान अमृत मिशन। तो यहाँ पे फ्रांस डेवलपमेंट एजेंसी है जिसका नाम AFD है, और जापान का एक बैंक है KfW बैंक। इन लोगों की टॉक चल रही है इंडियन गवर्नमेंट के साथ, और अगर टॉक कंप्लीट होती है, कंक्लूड होती है, तो ये लोग 100 मिलियन यूरो का लोन इंडिया को देंगे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग के लिए, शहरी क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए और अमृत मिशन के लिए, ठीक है। अमृत मिशन क्या है? तो अमृत मिशन को लॉन्च किया गया था 25 जून 2015 में, 2015 में अमृत मिशन को लॉन्च किया गया था। अमृत का मतलब है अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ये इसका मकसद है। मकसद ये है कि अर्बन शहरों, मतलब अर्बन जगहों पे जो आपकी शहरी क्षेत्र है, वहाँ जितनी भी आपकी एमिनिटीज़ है उन पे फोकस करना, पुअर को एडवांटेज मिले ये देखना। इसके अलावा हमारे देश में जो वाटर सप्लाई प्रॉपर है कि नहीं, सीवेज मैनेजमेंट प्रॉपर है कि नहीं, ड्रेनेज प्रॉपर है कि नहीं, इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना, ठीक है। तो इसके लिए आप देखेंगे टोटल जो बजट था वो 1 लाख करोड़ रुपये था, और सेंट्रल असिस्टेंट 50,000 करोड़ रुपए का था 2015-16 से 2019-20 तक के लिए। ऊपर डिस्कशन करते हैं अबाउट द ONGC। ONGC फर्स्ट टाइम कृष्णा गोदावरी बेसिन में यहां से आपको ऑयल एंड नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करने का काम कर रहा है। आइए हम पूरी बात को यहां पे समझते हैं। तो ONGC इनिशिएटिव ऑयल प्रोडक्शन फ्रॉम इट्स फ्लैगशिप डीप वाटर प्रोजेक्ट इन द कृष्णा गोदावरी बेसिन ऑफशोर, ठीक है। तो ये ONGC का एक डीप वाटर प्रोजेक्ट है, और ये पहली बार हम यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं कृष्णा गोदावरी बेसिन से, जो कि आपको बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलेगा, 30 किलोमीटर ऑफ द कोस्ट ऑफ काकीनाडा इन द कृष्णा गोदावरी बेसिन, और पहली बार यहाँ से ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा ऐसा बोला जा रहा है। इस प्रोजेक्ट से एक्सपेक्टेशन है कि 7% इन द करेंट नेचुरल ऑयल प्रोडक्शन एंड 7% टू द नेचुरल गैस प्रोडक्शन यहाँ से ये कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। मतलब ये जो फील्ड है, ये फील्ड हमें 7% ऑयल और 7% नेचुरल गैस में कंट्रीब्यूट करेगी इंडिया में, ठीक है। अगर आपको पता होगा कि इंडिया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है फॉर द क्रूड ऑयल, क्योंकि ऑब्वियसली पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हम क्रूड ऑयल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, तीसरे नंबर पर हैं, और 85% हमारा जो क्रूड ऑयल आता है वो हम इम्पोर्ट करते हैं, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। तो 85% तक हम इम्पोर्ट करते हैं, इंडिया इंपोर्ट करता है नेचुरल गैसेस को भी इंपोर्ट करता है लगभग 50% अपनी डिमांड को फुलफिल करने के लिए। तो आप यहाँ पर ये जो गोदावरी रिवर और ये कृष्णा रिवर और इनका ये जो एरिया है, यही है कृष्णा गोदावरी ऑफशोर बेसिन। अगर मैं आपको गोदावरी रिवर के बारे में बात करूँ, तो यहाँ से ये गोदावरी रिवर आपको दिखाई देगी और ये कृष्णा रिवर देखने को मिलेगी, ठीक है। दोनों बे ऑफ बंगाल में जाएंगे। गोदावरी रिवर नासिक से त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, कृष्णा रिवर महाबलेश्वर वेस्टर्न घाट से निकलती है, और भीमा इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। अगर ONGC की बात करें, तो ONGC का फॉर्मेशन 14 अगस्त 1956 में होता है, एक महारत्न स्टेटस है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंदर आता है, न्यू दिल्ली में हेड ऑफिस है। नेक्स्ट है PM जनमन स्कीम। ये स्कीम भी न्यूज में थी, इंतरिम बजट में भी इसके ऊपर डिस्कशन हुआ था। सो पीएम मोदी रिलीजेस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम जनमन स्कीम फॉर द पक्का हाउस। तो पीएम जनमन स्कीम मतलब प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ये इस स्कीम का नाम है, और बिल्कुल नई नवेली स्कीम है, क्योंकि अभी जनजाति गौरव दिवस पे हमने 15 नवंबर 2023 में ही इस स्कीम को लॉन्च किया है। ये स्कीम का टारगेटेड पॉपुलेशन है PVTG कम्युनिटी, हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन, उनके विलेजेस को एमिनिटीज प्रोवाइड करना, इलेक्ट्रिफिकेशन करना, टैप वाटर देना, कम्युनिटी सेंटर्स को तैयार करना, पक्का हाउस बनाना, ये सब इसका काम है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पहली इंस्टॉलमेंट को रिलीज किया गया है,
ऑफ रूरल हाउसिंग स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टू 1 लाख बेनिफिशियरी अंडर द प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटी को मेन स्ट्रीम से कनेक्ट करने के लिए ये स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर काम करती है। मैंने बता ही दिया है आपको स्कीम को कब लॉन्च किया गया था, 24,000 करोड़ रुपए इस स्कीम के लिए बजट है। इम्पॉर्टेंट स्कीम है फॉर अपकमिंग एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट है लेंटिल प्रोडक्शन, मसूर का उत्पादन भारत की रैंकिंग क्या है, तो वर्ल्ड में लार्जेस्ट नंबर पे पहुंच चुका है। ठीक है, तो इंडिया इज सेट टू बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लेंटिल मतलब मसूर ड्यूरिंग द 23-24 क्रॉप ईयर। अगर हम बात करते हैं तो 2022-23 में हमारा जो प्रोडक्शन था वो 1.56 मिलियन टन का था, इसे मसूर की दाल भी कहा जाता है। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने इसकी MSP भी इंक्रीज की है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एनडीए गवर्नमेंट ने MSP ऑफ लेंटिल को इंक्रीज किया है 6,425 पर क्विंटल रुपी पर क्विंटल फॉर द रवि सीजन 24-25, जो कि पहले कितना था 2,950 था 2014-15 में। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मसूर दाल की MSP क्या है, तो 6,425 पर क्विंटल है, रुपी पर क्विंटल है। ठीक है, अगर बात करें सबसे ग्रोइंग स्टेट के बारे में, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार है जहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में दालों का उत्पादन भी होता है और मसूर का उत्पादन भी होता है। ठीक है, इतनी चीजें ओके। नेक्स्ट है, राहुल गांधी जी ने स्टार्ट की है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। इसके पहले राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। भारत जोड़ो यात्रा कब से कब चली थी, तो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत 7 सितंबर 2020 शुरू में हुई थी 2022 में, और 30 जनवरी 2023 तक चली थी आपकी भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा आप देखेंगे ये वाला रूट है, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी। तो स्टार्टिंग पॉइंट था कन्याकुमारी और एंड पॉइंट था क्या, श्रीनगर। लेकिन अभी चल रही है इनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हुई है इम्फाल से 14 जनवरी को, और ये यात्रा इस डायरेक्शन में मतलब ईस्ट टू वेस्ट जा रही है, खत्म कहाँ होगी, मुंबई में। एंड पॉइंट क्या होने वाला है, मुंबई में। लगभग 100 लोकसभा सीट्स को कवर करने वाले हैं, जो 15 स्टेट से गुजरेगी इनकी यात्रा। और कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, 6,713 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया जाएगा इन 68 डेज। नेक्स्ट है वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन। अब देखिएगा, एक मीटिंग हुई थी COP 12 मीटिंग 2015 में, और 2015 में ये कहा था कि कोई भी अर्बन एरियाज है जैसे कि शहरी क्षेत्र हैं, और शहरी क्षेत्र अगर वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए अच्छा काम करते हैं, अच्छा इनिशिएटिव लेते हैं, तो उन्हें हम प्रपोज कर सकते हैं अंडर द वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन। मतलब ऐसी सिटीज़ को या ऐसे सिटी जो कि अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें वेटलैंड सिटी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने 3 नॉमिनेशन दिए हैं इंडिया की तरफ से फॉर द वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन। कौन कौन है, एक है इंदौर मध्य प्रदेश से, भोपाल भी मध्य प्रदेश से, और उदयपुर आपको राजस्थान से देखने को मिलेगा। ठीक है, उदयपुर तो ऑलरेडी राजस्थान में आपको पता है 5 मेजर वेटलैंड के लिए जाना जाता है, पिछोला लेक, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर एंड दूध तलाई। नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट इक्विटी इन्वेस्टमेंट फॉर द सेटिंग अप 2 थर्मल पावर प्लांट। तो यहाँ पे कैबिनेट की मीटिंग हो रही थी, यहाँ पे इक्विटी इन्वेस्ट करने की बात की गई है, और 2 नए थर्मल पावर प्लांट को कंट्री में सेटअप किया जाएगा। और कौन सेटअप करेगा, सेटअप करेगी कोल इंडिया और उनकी सब्सिडरी, कोल इंडिया लिमिटेड और उनकी सब्सिडरी 2 पावर प्लांट को सेटअप करेगी, जिसमें इक्विटी ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट की रहने वाली, मतलब गवर्नमेंट इन्वेस्ट करने वाली है, जिससे अफोर्डेबल प्राइस पे लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिल सके। पहला जो है वो 660 मेगावाट का पावर प्लांट लगाया जाएगा, कहाँ पर, अमरकंटक में, अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन मध्य प्रदेश में, जो कि एक ज्वाइंट वेंचर होगा साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड एंड मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड का एक ज्वाइंट वेंचर होगा। सेकंड अगर हम बात करते हैं तो 2 यूनिट लगाई जाएंगी 800 मेगावाट की, 2 यूनिट लगाई जाएंगी 800 मेगावाट की। ठीक है, सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर सेटअप किया जाएगा, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में, थ्रू द महानदी बेसिन पावर लिमिटेड। तो इन दोनों के लिए गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है श्रेष्ठ स्कीम। तो श्रेष्ठ स्कीम के अंतर्गत CBSE के द्वारा कुछ गाइडलाइंस इशू की गई हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो श्रेष्ठ स्कीम क्या है और किसके लिए है। तो हमारे देश की जो SC कम्युनिटीज़ हैं, जो हमारे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी हैं, उनके बच्चों के लिए बेसिकली श्रेष्ठ स्कीम है। श्रेष्ठ का मतलब होता है स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरिया। तो बेसिकली बेस्ट प्राइवेट रेसिडेंशियल स्कूल
शेड्यूल कास्ट के उन बच्चों को प्रोवाइड करना जो इंटेलिजेंट हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए श्रेष्ठ स्कीम है। और सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन मतलब CBSE ने रिसेंटली कुछ इंस्ट्रक्शन इशू किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो स्कीम है वो 9 से लेकर 12वीं, 9 से लेकर 12th ऑफ क्लास तक, जो 9 से 9 कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये स्कीम होती है। इनको एक टेस्ट देना होता है, फिर उसके बाद उनका एडमिशन इन रेजिडेंशियल स्कूल्स में होता है। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इसको काम करता है। कोई भी ऐसा बच्चा जो SC कम्युनिटी से बिलोंग करता है, जिसकी फैमिली इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है, वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। मैं जानती हूँ सेशन थोड़ा लेंदी हो सकता है, लेकिन क्योंकि हमें पूरे जनवरी मंथ की इंपॉर्टेंट इवेंट्स को डिस्कस करना है, तो आराम से पढ़िएगा। लास्ट में बस थोड़ा सा ही बचा है, GI टैग और डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट है हल्दिया पेट्रोकेमिकल बिकम इंडियाज फर्स्ट BSI सर्टिफाइड, ठीक है। तो हमारे देश की पहली पेट्रोकेमिकल फर्म बन गई है हल्दिया पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, जिसको ISO या BSI सर्टिफिकेशन दिया गया है। BSI का मतलब ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट होता है। इंडिया का पहला ग्रेफीन सेंटर, जिसका इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्रेफीन को लॉन्च किया गया है, तैयार किया जा रहा है कोच्चि केरला में, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी हैं श्री S. कृष्णन, ठीक है, मैथ्री के सेक्रेटरी, और उन्होंने इंडिया का पहला ग्रेफीन सेंटर लॉन्च किया है केरला कोच्चि में। बेसिकली दो इनिशिएटिव लिए गए हैं, एक है सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन इंटेलिजेंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर, एंड इंडिया का पहला ग्रेफीन सेंटर, इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्रेफीन, ठीक है। इन दोनों को कोच्चि में बनाया जाएगा, पहला सेंटर जो है सेंसर के लिए, तो वहां पे कई तरीके के सेंसर्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा, उनका डेवलपमेंट किया जाएगा। और ग्रेफीन सेंटर में क्या किया जाएगा, ग्रेफीन सेंटर में आप देखेंगे टाटा स्टील लिमिटेड के साथ इसको तैयार किया गया है R&D को बढ़ावा देने के लिए, रिसर्च और डेवलपमेंट हो सके, और ग्रेफीन का हम वाइड स्केल पे आने वाले समय में इस्तेमाल कर सके, क्योंकि ग्रेफीन वेरी गुड कंडक्टर होता है। इसकी कंडक्टिविटी कॉपर से भी काफी ज्यादा अच्छी होती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होता है, और बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट है ग्रेफीन। चलिए नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रिवोक FCRA रजिस्ट्रेशन ऑफ सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च। अब यहां पर देखिएगा FCRA, FCRA क्या होता है, FCRA मतलब फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020। बेसिकली हमारे देश में जो NGO वगैरह होते हैं, NGO में क्या आता है, इन्वेस्टमेंट आता है, NGO में क्या आता है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तो कंट्री से भी आ सकता है और कंट्री के बाहर से भी आ सकता है, आउटसाइड द कंट्री भी इन्वेस्टमेंट आ सकता है किसी NGO में। तो कहाँ से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कौन सी फॉरेन कंट्री या कौन सा इंडिविजुअल व्यक्ति दे रहा है, किस कारण से दे रहा है, कहीं टेररिस्ट फंडिंग तो नहीं हो रही NGO के जरिए, तो इन सब चीज़ों पे हमें रेगुलेशन करने की ज़रूरत होती है। इसलिए हमारे देश में एक एक्ट चलता है विच इज़ FCRA मतलब फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का रजिस्ट्रेशन रिवोक कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। इन पे कई सारे नॉर्म्स को वॉयलेट करने का एलिगेशन लगाया गया था कि आपने हमारे नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए FCRA के द्वारा इसे हटा दिया गया है, ठीक है। CPR की बात अगर हम करते हैं, CPR मतलब समझ रहे हो ना आप, CPR का मतलब है सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च। तो सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च को 1973 में तैयार किया गया था, एक पॉलिसी थिंक टैंक है, ठीक है, और इसका ही हमने रजिस्ट्रेशन रिवोक कर दिया है। FCRA को हमने 1976 में इमरजेंसी के समय इनेक्ट किया था, और 2020 में हमने कुछ अमेंडमेंट यहाँ पर किए हैं, ठीक है, अमेंडमेंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है ई साक्षी ऐप अंडर MP लेड। यहाँ पर देखिएगा एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है जिसका नाम है ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन। किसके लिए, MP लेड्स के लिए, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के लिए। हमारे देश में जो MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के डेवलपमेंट के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। आप इन 5 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट को रन कर रहे हैं, इनफ्लो कैसा है आपके इस पैसों का, उसको मॉनिटर करने के लिए बेसिकली ई साक्षी एप्लीकेशन को लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा, ठीक है। MP लेट की शुरुआत 1993 में की गई थी, 1993 में। चलिए नेक्स्ट है यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन
श्री अमित शाह इनॉग्रेट द न्यू बिल्डिंग ऑफ ऑफिस ऑफ द सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इन न्यू दिल्ली। अब देखिए जो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन, ये पहले से तो थी नहीं, ये नई मिनिस्ट्री है। और जब नई मिनिस्ट्री बनाई गई तो ऑब्वियसली बात है चैलेंज होता है, क्योंकि प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट नहीं था, प्रॉपर ऑफिस नहीं था, ना ही कंप्यूटर थे, ना ही कंप्यूटराइजेशन हुआ था। और ऐसा कहना है कि ये जो कॉपरेटिव सेक्टर्स हैं ये इंडिया की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन करने में बिल्कुल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इसलिए एक नई बिल्डिंग की जरूरत थी काफी लंबे समय से। तो फाइनली यहाँ पे लॉन्च कर दी गई है नई बिल्डिंग। कॉपरेटिव सोसाइटी आर बींग स्ट्रेंथ अप एंड रूरल इकोनॉमी इज गेटिंग कनेक्टेड विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इसलिए इस नई बिल्डिंग को लॉन्च किया गया है, क्योंकि स्टाफ को सिटिंग करने के लिए प्रॉपर एरिया नहीं था। इस मिनिस्ट्री को लॉन्च किया गया था 6 जुलाई 2021 में, और बिल्डिंग को तैयार करने के लिए 175 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट टू मेक जेट फ्यूल फ्रॉम अल्कोहल। तो पहली बार एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है पुणे में, और इसे इनॉग्रेट किसने किया है, यूनियन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा। और हमारे देश में एविएशन इंडस्ट्री के लिए पहली बार यहाँ पर अल्कोहल से फ्यूल तैयार किया जाएगा। कहाँ पर, पुणे में, पुणे में से तैयार किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। ये स्कीम भी काफी न्यूज में थी, इंपॉर्टेंट न्यूज है, आइए हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अनाउंस किया गया है कि हम प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत 1 करोड़ घरों के ऊपर छत पर रूफ टॉप सोलर हम इंस्टॉल करेंगे। इससे जो पुअर फैमिली है उनका इलेक्ट्रिसिटी जो बिल का बर्डन है वो भी रिड्यूस होगा, और जो एक्सेसिव अगर आप सरप्लस प्रोडक्शन करते हैं, आपने अपने घरों में इस्तेमाल कर लिया बिजली का, जितना बिजली बचती है तो आप उसको बेच सकते हैं और एक इनकम भी आपके लिए जनरेट होगी। तो ये बात यहाँ पर कही गई है अंडर द सूर्योदय योजना। ठीक है, कुछ डेटा है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती हूँ। सो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की वेबसाइट के अकॉर्डिंगली हमारे देश में जो टोटल सोलर पावर इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है, जितना हम सोलर एनर्जी जनरेट करते हैं, वो 73.31 गीगावाट का है। अगर हम बात करते हैं रूफ टॉप घरों के ऊपर से जो हम सोलर प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कितनी है, तो 11 गीगावाट की है। अब टोटल सोलर इंस्टॉलेशन में टॉप पर कौन है, तो आंसर हो जाएगा टॉप पर है राजस्थान। राजस्थान 18.7 गीगावाट प्रोड्यूस कर रहा है। अगर हम रूफ टॉप इंस्टॉलेशन की बात करते हैं कि रूफ टॉप इंस्टॉलेशन के हिसाब से टॉप पर कौन है, तो गुजरात है। गुजरात 2.8 गीगावाट प्रोड्यूस कर रहा है रूफ टॉप से, ये बात यहाँ पे कही गई है। ठीक है, बाकी स्कीम के बारे में आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ मीटिंग ऑफ स्टीयरिंग कमेटी ऑफ केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी एंड द भूजल योजना इन मध्य प्रदेश। तो अटल भूजल योजना की मीटिंग, 5वें नंबर की मीटिंग हुई थी कहाँ पर, खजुराहो मध्य प्रदेश में। अटल भूजल योजना कब लॉन्च की गई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और इसको 2019 में लॉन्च किया गया था। इंपॉर्टेंट है, अटल भूजल योजना को 2019 में लॉन्च किया गया था फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर, 2020-21 से 2024-25 तक, और इसको फिर हमने 2 साल के लिए यहाँ पर इंक्रीज भी कर दिया था। ठीक है, मकसद क्या है, तो ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट करना है, और ग्राउंड वाटर को भूजल मतलब जमीन के अंदर का पानी हमें इंक्रीज करना है। ठीक है, इतनी चीजें, और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसकी नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है। ये जो स्कीम है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक की स्कीम है, 50-50 का इन्वेस्टमेंट है। टोटल स्कीम का खर्चा 6,000 करोड़ का है, जिसमें से 3,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, 3,000 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक के आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनुवादनी एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। अनुवादनी एप्लीकेशन जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है, तो आपके जो भी नोट्स होते हैं, डिजिटल स्टडी मटेरियल होता है, वो अलग अलग जो हमारे 8 शेड्यूल के डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, उन लैंग्वेज में आपको स्टडी करने के लिए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होगा, जिससे बच्चा अपनी मदर टंग में पढ़ाई कर सके। इसलिए UGC और AICTE के कहने पर इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर, इन्होंने हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन को लॉन्च किया था। ठीक है, हमारा सम्मान कैंपेन, हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन, 75th ऑफ रिपब्लिक डे के ओकेशन पे इसको लॉन्च किया गया था बाय द वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर, जिसकी थीम क्या थी, सबको न्याय हर घर न्याय, नव भारत नव संकल्प एंड विधि जागृति अभियान।
और ड्यूरिंग द इवेंट इन्होंने न्याय सेतु को भी लॉन्च किया था। न्याय सेतु क्या है? तो न्याय सेतु एक सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन है जिसका मकसद है कि लास्ट माइल तक हर एक घर तक, हर एक कस्बे तक, लोगों तक लीगल जस्टिस पहुंच सके। और एक प्लेटफॉर्म जारी किया गया है जिससे अगर किसी व्यक्ति को लीगल असिस्टेंट चाहिए, लीगल एडवाइस चाहिए, कोई बातें समझ में नहीं आ रही है तो इस पोर्टल के जरिए पूछा जा सकता है। वहीं विधि जागृति अभियान क्या है? तो एक कॉलेज स्टूडेंट का एक इनिशिएटिव था, कोई भी लॉ कॉलेज है तो कॉलेज कुछ गांवों को, कुछ विलेजेस को एडॉप्ट करेगा और उन विलेजेस में लॉ कॉलेज के स्टूडेंट जाएंगे और वहां के लोगों को गवर्नमेंट स्कीम, हमारे फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी और लॉ के इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। और बेसिकली एक और मकसद था इस पूरे कैंपेन का, वो है पंच प्राण ऑफ अमृतकाल के बारे में लोगों को बताना। अब पंच प्राण ऑफ अमृतकाल इनको आप रट लीजिए, 15 अगस्त 2022 को अपनी स्पीच में मोदी जी के द्वारा ये कहे गए थे, क्योंकि अभी इंतरिम बजट में भी इनको हाईलाइट किया गया है। कौन कौन से? पहला प्लान है कि हम 2047 तक कैसे डेवलप्ड नेशन बन जाएंगे, डेवलप्ड इंडिया का प्लान है। सेकेंड है किस तरीके से जो ब्रिटिश माइंडसेट है, जो का ब्रिटिश एरा की जो हमारी माइंडसेट और जो हमारी आर्किटेक्ट है उनको कैसे हमको रिमूव करना है। थर्ड प्लान है प्राइड टू इन योर रूट्स, फोर्थ प्लान है यूनिटी एंड फिफ्थ प्लान है सेंस ऑफ ड्यूटी अमंग द सिटीजन, ठीक है। नेक्स्ट है 71st मिस वर्ल्ड। तो फाइनली इंडिया होस्ट करने जा रहा है 71st मिस वर्ल्ड पीजेंट आफ्टर 28 ईयर्स। लास्ट टाइम 1996 में भारत ने मिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन को होस्ट किया था और अब भारत 28 सालों के बाद इस इवेंट को होस्ट कर रहा है। कहाँ पर होगा? भारत मंडपम में होगा, इसके अलावा जियो कन्वेंशन सेंटर में होगा, ठीक है। अगर इंडिया की तरफ से बात करते हैं तो सिनी सेट्टी जो कि फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 है, भारत को रिप्रेजेंट करेंगी मिस वर्ल्ड में। मिस वर्ल्ड की शुरुआत 1951 में हुई थी और यहाँ पर वो मिस वर्ल्ड है जो इंडिया की हैं और रह चुकी हैं, जैसे कैश्वर्या राय, रीता फारिया, ठीक है। नेक्स्ट है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है कौशल भवन। कौशल भवन किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू ने। किसके लिए लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। हमारी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल, इनके कई सारी स्कीम चलती है, जैसे कि पीएम विश्वकर्मा स्कीम, हमारे देश के आर्टिस्ट क्राफ्टमैन को स्किल अप करना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, सर्टिफिकेशन देना, वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करना, इसके लिए हमारा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिबल है। कौशल भवन का फाउंडेशन स्टोन 2019 में रखा था और मिनिस्ट्री के कई सारे जो डिपार्टमेंट है, जैसे कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इन सब के ऑफिस इस मिनिस्ट्री के, मतलब इस बिल्डिंग के अंदर रहेंगे। 2019 में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था, फाइनली इस बिल्डिंग को इनॉग्रेट किया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की अगर हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी। 15 जुलाई 2015 में इस स्कीम की शुरुआत की गई थी। मकसद क्लियर है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करके रोजगार प्रोवाइड करना, सिंपल सी कहानी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कैबिनेट अप्रूव 2 कोल गैसिफिकेशन प्लांट इन द वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कोयले से गैस बनाने के लिए, एलपीजी एलएनजी गैस को तैयार करने के लिए कोल गैसिफिकेशन प्लांट को सेटअप करने की बात की है बंगाल में, वेस्ट बंगाल में एंड उड़ीसा में। हमारा टारगेट है कि हम 100 मेट्रिक टन कोल गैसिफिकेशन कर लें बाय द 2030। और ये अनाउंसमेंट किसने की है? हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर कोल प्रहलाद जोशी के द्वारा ये बात कही गई है। पहला जो प्लांट है वो कोल इंडिया लिमिटेड और गेल के द्वारा लगाया जाएगा, दोनों का ज्वाइंट वेंचर है कोल इंडिया लिमिटेड और गेल का। कहाँ पर लगाया जाएगा? तो कोल टू सिंथेटिक नेचुरल गैस प्लांट है ये, सोनेपुर बाजारी एरिया ऑफ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड वेस्ट बंगाल में लगाया जाएगा, जिसके लिए 13,000 करोड़ रुपए का फंड है। नेक्स्ट जो प्लांट है वो BHEL और कोल इंडिया लिमिटेड का ज्वाइंट वेंचर होगा, कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्लांट। कहाँ पर लगाया जाएगा? जासरगोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में, जिसके लिए 11,782 करोड़ रुपीज दिए हैं, ऐसा बताया गया है प्रहलाद जोशी के द्वारा। ये दोनों प्लांट 2028-29 तक ऑपरेशन में आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपांशन ऑफ तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन बोकारो झारखंड। यहाँ पे गवर्नमेंट का एक और प्लान है कि कोल इंडिया लिमिटेड को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि हमें जो तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन है इसको एक्सपांड करना है, मतलब इसकी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी को बढ़ाना है। तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। अभी टोटल इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी जो है वो 420 मेगावाट की है, हमको इसे इंक्रीज करना है और हमको 2 नई यूनिट लगानी है 660 मेगावाट की, ठीक है। ये इसका बेसिकली मकसद है।
कोल इंडिया लिमिटेड स्टेट ओन कोल माइनिंग कॉरपोरेशन है, 1975 में फॉर्मेशन हुआ था, महारत्न स्टेटस है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में हेडक्वार्टर मिल जाएगा और पीएम प्रसाद आपको चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मिलेंगे। ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द कोल इंडिया। अगर मुझे बहुत अच्छे से याद है कि लास्ट ईयर जो एनटीपीसी का पेपर हुआ था आपका रेलवे का, उसमें एक मैच द कॉलम मुझे अभी भी याद है क्योंकि वो मेरे पेपर में था, तो उसमें एक तरफ आपके पब्लिक सेक्टर कंपनीज और दूसरी तरफ उसके हेडक्वार्टर थे, तो बिल्कुल अच्छे से जो भी ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में उसके हेडक्वार्टर पढ़ के जाना है। नेक्स्ट इज सारथी एप्लीकेशन। तो रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा सारथी एप्लीकेशन फॉर दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के लिए लॉन्च की गई है। बेसिकली ये क्या है सारथी एप्लीकेशन? तो सारथी एप्लीकेशन एक टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन है जिससे हर एक गरीब के परिवार तक दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना का फायदा पहुंच सके और जो भी लीकेज होता है वो लीकेज ना हो, ट्रांसपेरेंसी रहे और एडमिनिस्ट्रेशन पे जो लोड है वो भी रिड्यूस हो सके, इसलिए इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब दीनदयाल उपाध्याय मिशन को कब लॉन्च किया गया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने 2011 में इसको लॉन्च किया था। मकसद क्या है? पॉवर्टी को रिड्यूस करना। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं इस पूरे महीने में दिए गए जीआई सर्टिफिकेशन के बारे में, मतलब ज्योग्राफिक इंडिकेशन टैग। ठीक है, 10 ईयर्स के लिए दिया जाता है। तो अभी रिसेंटली उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर, कच्छ, गुजरात, अलग अलग एरिया में जीआई टैग दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उड़ीसा के जीआई टैग। तो उड़ीसा में आप देखेंगे पहला है लांजिया सौरा पेंटिंग एंड डोंगरिया कोन सॉल। आप देखेंगे ये देखो, ये है लांजिया सौरा पेंटिंग, ठीक है, जो कि एक म्यूरल आर्ट है और इसको इडटल के नाम से भी जाना जाता है उड़ीसा से। डोंगरिया कोनसॉल जो कि डोंगरिया ट्राइब, डोंगरिया कोंद ट्राइब के द्वारा इसे तैयार किया जाता है, ये भी उड़ीसा का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है खजूरी गुड़ एंड नायगढ़ कंथीमुड़ी ब्रिंजल भटे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये खजूरी गुड़ है, ठीक है, जिसको पाम से तैयार किया जाता है, इसे नीरा भी कहते हैं, और ये है आपका नायगढ़ कंथीमुड़ी ब्रिंजल, जिसमें मतलब ये ज़्यादा इसमें इंसेक्ट वगैरह नहीं होते हैं, उसके खिलाफ इसमें एम्यूनिटी आप बोल सकते हैं, तो ये ब्रिंजल है। नेक्स्ट है आपका धैन कनाल माझी सिमलीपाल काई चटनी एंड कोरापुट काला जीरा राइस। ये कोरापुट काला जीरा राइस है, ठीक है, देख लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट है धैन कनाल माघजी, जो कि एक स्वीट डिश है जो कि आपका बुफेलो के मिल्क से तैयार की जाती है। ये सिमलीपाल काई चटनी है, इम्पॉर्टेंट है, चीटियों की चटनी है ये, ठीक है, सिमलीपाल काई चटनी रेड आंट चीटीज की मदद से, आंट की मदद से बेसिकली इसे तैयार किया जाता है मयूरभंज और क्योंझर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है तीन प्रोडक्ट हमारे अरुणाचल प्रदेश से हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं? पहला तो एक हैंडमेड कारपेट है, ठीक है। नेक्स्ट है बेंचू वुडन क्राफ्ट एंड अरुणाचल प्रदेश से है आदि केकिर जिंजर, ये है वहाँ की अदरक। तो तीन प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो आपको जो विशेष तौर पे याद रखना है वो आदि केकर जिंजर है, ये आपकी लहसुन सॉरी अदरक, आई एम सॉरी अदरक, और ये बांचू वुडन क्राफ्ट है। दोनों कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से हैं। फिर वेस्ट बंगाल में अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम साड़ियाँ हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है, जैसे कि टेंगल साड़ी, गराद साड़ी, कोरियल साड़ी, ये तीन साड़ियाँ हैं। फिर है कालो नूनिया राइस, जिसको ब्लैक नूनिया राइस भी कहा जाता है, और सुंदरवन हनी, सुंदरबन डेल्टा से कलेक्ट किया जाता है सुंदरबन हनी, और सुंदरबन हनी को कलेक्ट करने का काम मौली कम्युनिटी करती है, मौली कम्युनिटी करती है सुंदरबन डेल्टा में। नेक्स्ट बात करते हैं गुजरात का कच्चाई खारेक या डेट्स, तो ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, गुजरात से है। एंड जम्मू एंड कश्मीर का रामवन अनारदाना, ये रामवन अनारदाना है जो कि जम्मू एंड कश्मीर से, इसे भी जीआई टैग दिया है। नेक्स्ट है अयोध्या, अयोध्या के हनुमानगढ़ी के लड्डू के लिए भी जीआई टैग दी जाने की बात की जा रही है, इसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया है जीआई रजिस्ट्री के द्वारा चेन्नई में, और बहुत जल्दी इनका भी सर्टिफिकेशन आ जाएगा। लॉर्ड हनुमान को यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं हनुमानगढ़ी के लड्डू हैं अयोध्या से, ठीक है। पहला प्रोडक्ट हमारे देश में जिसे जीआई सर्टिफिकेशन मिला था 2003 में, वो है दार्जिलिंग टी। लास्ट न्यूज़ की तरफ बात करते हैं, इंडिया का नॉमिनेशन फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट 2024-25। तो इंडिया की तरफ से एक नॉमिनेशन गया है, ठीक है, आइए हम बात करते हैं। तो इंडिया नॉमिनेट मराठा मिलिट्री लैंडस्केप फॉर 2024-25 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट।
अब यहाँ पे मराठा एम्पायर ने काफी लंबे समय तक महाराष्ट्र में रूल किया और कई सारे मराठा एम्पायर के फोर्ट्स देखने को मिलते हैं। लगभग 390 किले हैं। उन 390 फोर्ट्स में से केवल 12 फोर्ट्स या 12 किले हैं जो कि मराठा मिलिट्री लैंडस्केप में आते हैं और इन्हें नॉमिनेट किया गया है फॉर द यूनेस्को साइट। ठीक है, ऑलरेडी ये टेंटेटिव लिस्ट में 2021 से शामिल हैं। महाराष्ट्र में देखते हैं तो कई सारी हमको यूनेस्को की साइट्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि अजंता केव्स एंड एलोरा केव्स 1983 में, एलिफेंटा केव 1987 में, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल 2004 में, विक्टोरियन गॉथिक आर्ट डेको इंसेम्बल ऑफ मुंबई 2018 में एंड वेस्टर्न घाट 2012 में। ये कुछ साइट्स हैं जो यूनेस्को साइट्स हैं जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारी नेशनल न्यूज़ ख़त्म होती है। मैंने सारी स्कीम्स जो भी काम किए गए हैं, कोई एमओयू साइन वगैरह हुआ है, वो सब हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेट की न्यूज़ और इंटरनेशनल न्यूज़ पर डिस्कशन करेंगे। सो टेक केयर एंड बाय बाय।